धमाकेदार तरीके से पहले दिन की शुरुआत कर सकते हैं ट्वेंटी चलो तो फाइनली मेरे पास तुम्हारे आ रहे। हाँ तो बिल्कुल सही है और क्या मैं दिख भी अच्छा रहा ये भी बता दो साथ सा। चलो तो यार पहले मैं थोड़ा सा आ, बता दूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे देखो ये रजत नालायक मजे ले रहे हैं मेरे बोल रहे हैं, नहीं सर आवाज़ तो आ रही है लेकिन अब दिख नहीं रहे तो अच्छे नहीं दिख रहे दिख तो रहे हो पर अच्छे नहीं दिख रहे असलम भाई बोल रहे कि अच्छे दिख ऐसा ऐसा मैंने सुना है मतलब मैं जब पढ़ता था मैं मेरे मैथ्स टीचर की खूब तारीफ करता था तो मुझे फोर्टी नाइन आया आउट ऑफ फिफ्टी बाकी तुम लोग खुद समझदार होनी वे तो so फाइनली हम लोग पहले दिन के साथ शुरुआत करने वाले एक बार जल्दी से मैं दे दूं उन सारे स्टूडेंट्स को जो कि विद्युत के नहीं है और नॉन विद्युद हैं या फिर वो बाद में इस प्लेच को रिकॉर्डेड देखने वाले हों स्पीड बढ़ा के देखने वाले हों वॉट एवं तो पहले मैं बता दूँ की ट्वेंटी डेज प्लेज आखिरकार होता है बीस दिन के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करते मैच में भी मैंने शेड्यूल डे वन पे ही दे दिया है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अटैच कर दूंगा जहाँ पे तुम्हें नोट्स भी मिल जाएंगे डे ऑन डे बेसिस

ऑल थ्रू आउट दिस चाहे तुम्हारा सिलेबस हो गया हो चाहे नहीं हुआ हो अगर हो चुका है तो रिविजन के लिए देखो और नहीं हुआ है तो फिर तो भाई आग लगा देनी है बहुत मेहनत करनी है फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी डेज तो जल्दी से मुझे सब लोग सब लोग जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में थम्सअप दे दो और बिगुल बजा दो ताकि हम लोग शुरुआत कर सके ये देखो ये कुमार कह रहे हैं बोले पंचायत के विकास लग रहे हो बस बस भाई हो गया ये तू अभी ना तुम बहुत नालायक हो है। कोई बात नहीं पेड़ है पर मेरे सबने थम्स अप दे दिए तो फाइनली मेरे भाइयों शुरू करते हैं ट्वेंटी डेज प्लेज तो देखो यार सबसे पहले कि हम लोग कुछ भी शुरू करें मैं तुम्हें शेड्यूल बता देता हूं प्लेज का डे वन पे मैं लेने वाला हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डे टू पे पॉइजन और बायनॉर्मल पे बात करेंगे डे थ्री पे भी पॉइजन और बायनॉर्मल पे बात करेंगे यानी कि तीन दिन में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा कवर हो जाएगा डे फोर फाइव और सिक्स में प्रोबेबिलिटी हम लोग डिस्कस करने वाले डे सेवन एट और नाइन में हम लोग टीवीएम यानी कि टाइम वाले ऑफ मनी डिस्कस करेंगे स्पेशली एडवांस में डिस्कस करने वाला क्योंकि बेसिक बेसिक तो सभी को आ जाता है सी आई एस आई और ई आई तो तुम लोग अच्छे से कर लेते हो पर एन्यूटी और एडवांस कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं परेशानी आती है तो वो हम लोग सेवन एट और नाइन्थ डे करने वाले डे टेन पे हम लोग लॉग्स लेंगे स्पेसिफिकली मैंने लॉग्स के लिए दो घंटे निकाले हुए हैं ताकि हम लोग के बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन कर सेशन डे टेन डे इलेवन पे मैं रेशियो प्रपोर्शन होगा डिफिकल्ट है रेशियो प्रपोर्शन तो बहुत ही इजी है एंड एंडाइसिस so अलग से लिखा हुआ है और फिर रेशियो प्रपोर्शन एंडाइसिस अलग डे थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन में हम लोग पीएनसी करने वाले पीएनसी को मैं थोड़े से हाई लेवल पे लेके जाऊंगा

तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में थम्सअप दे दो अगर मैंने तुम्हारी दुखती नस पे हाथ रख दिया तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में थम्सअप दे दो। क्या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम हमेशा फंसते हो ये बन जाता है ये भी बन जाता है थोड़ी कोशिश करके ये भी बना लेते हैं पर यह नहीं बनता साहब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से डर लगता है तो वो तुमने एडवर्टीजमेंट देखा होगा डर सबको लगता है गला सबका सूखता है पर डर के आगे जीत है तो आज दिन है जीतने का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर क्या बात है नहीं लिखने वाला दिलशाद क्या बात है दिन? तुम बहुत ताकतवर बढ़िया बात है चलो तो फाइनली शुरू करते हैं विद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अब मैं थोड़े समय के लेना सेक्शन ऑफ रख रहा हूं और अब मैं चैट सेक्शन तभी ऑन करूंगा जब मुझे कुछ डाउट्स लेना होंगे तो मैं चैट सेक्शन ऑफ रख रहा हूं मेरे भाइयों सिर्फ थोड़े से समय के लिए तुम लोग कुछ ही देर बाद चैट वापस कर पाओगे पर अभी मैंने चैट ऑप्शन ऑफ कर दिया है तो नाउ देर विल बी नो मोर चैट ठीक है ना चल तो फाइनली शुरू करते हैं मेरे भाइयों सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एज आई टोल्ड यू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैं डे वन पे सबसे खतरनाक टॉपिक इसलिए ले रहा हूं ताकि तुम लोग इज आउट हो सको बिकॉज दिस इज द टॉपिक दैट इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ एवरीबडी एवरी सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट ट्रस्ट मी तो मैं सबसे पहले डिफिकल्ट टॉपिक से शुरू कर रहा हूं मैं से इस ब्लच की शुरुआत नहीं करने वाला तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो तीसरा मॉडल है इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो पहले थोड़ी सी बेसिक की बात कर लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टू रिक्वर अगर मैं तुम्हें कहता हूं कि एक सिक्का उछाला बताओ हेड और टेल आने के चांसेस क्या है तो हेड आने के चांसेस है वन बाई टू। और टेल आने के चांस भी है वन बाई टू। अगर मैंने दो सिक्के उछाले और मैंने बोला बताओ एटलीस्ट वन हेड आने के क्या चांसेस है एट वन हेड तो आंसर आएगा थ्री बाई फोर आई एम आई एम वेरी कंफर्टेबल मतलब ये एक कॉइन दो कॉइन इनफैक्ट तीन कॉइन तक भी आई एम वेरी कंफर्टेबल पर अगर मैं तुमसे कहता हूं कि बताओ दस सिक्के उछाले व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कोरिंग तो भाई यहां यहां पे मुझे नतमस्तक होना पड़ेगा कि दस सिक्कों के लिए इतने सारे आउटकम्स बनाएगा कौन अरे एक सिक्के में तो दो ही आउटकम्स होते थे दो सिक्के उछालते थे तो चार आउटकम्स होते थे तीन सिक्के उछालते थे तो आठ आउटकम्स होते थे यहां तक फिर भी पॉसिबल था पर इसके बाद अगर दस कॉइन एक साथ उछाल दिए देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट फॉर मी टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी मैनुअली मतलब मैं अब प्रोबेबिलिटी को मैन्युअली कैलकुलेट नहीं कर सकता तो फिर मुझे क्या करना होगा फॉर दैट आई नीड सर्टेन मशीन मुझे कुछ ऐसे मशीन फॉर्मूला चाहिए जिससे मैं वैल्यूज डालूं और मेरी प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाए क्योंकि अब मैं मेंटली मैन्युअली तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि अगर दस कॉइन उछाले तो इसके आउटकम्स बनाने में मुझे बहुत समय लग जाएगा एवरी कॉइन विल हैव टू आउटकम्स तो बहुत सारे आउटकम्स होंगे 2 2 2 2 कितनी बार करना पड़ेगा 10 10 इतने सारे आउटकम्स मेरे निकलने वाले तो मैन्युअली आई कैन नॉट सॉल्व इट इसीलिए सीए फाउंडेशन के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हें तीन फॉर्मूले देता है यानी कि तीन मशींस देता है और कहता है इनके अंदर तुम वैल्यू डालोगे तो तुम्हें आंसर्स मिलेंगे ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि हम ऐसी मशीन लगाएंगे ऐसी मशीन लगाएंगे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा ठीक वो एडिटेड वीडियो है डोंट ट्रस्ट द मीडिया एनी तो भाई थेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर तीन मॉडल्स आएंगे एक आएगा बाइनोमियल एक आएगा पॉइजन और फाइनली तीसरा आएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो देखो बाय में ऐसा है भाई कि ये हम पढ़ेंगे डे टू पर पॉइजन भी डे टू पे ही आएगा डे टू या थ्री नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आज हम सबसे पहले टैकल करने वाले तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इट इज बेसिकली अ मशीन

देखो भाई जो आइटम होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिस्क्रीट और एक होते हैं क्वॉन्टिन मुझे पता है कि तुम आइटम वर्ड से क्रांतिकारी सोच लेते हो इसलिए मैं इसको वेरिएबल लिख देता हूं तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा तो वेरिएबल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं एक वेरिएबल होता है डिस्क्रीट और एक वेरिएबल होता है देखो जब मैं डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करता हूँ तो मैं ऐसे वेरिएबल्स की बात कर रहा करूं जो सर्टेन वैल्यूज ही अज्यूम कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक टेस्ट है और उस टेस्ट में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और दस नंबर का वो टेस्ट है तो या तो तुमको दस आएंगे या तो नौ आएंगे या तो आठ आएंगे या तो सात आएंगे या तो छह आएंगे या पांच या चार या तीन या दो या फिर एक इसके अलावा और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है दस मैंने तुम्हें एमसीक्यू का टेस्ट दिया और दस क्वेश्चन तुमने अगर सॉल्व किए तो इधर नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन या फिर जीरो इसके अलावा और कोई स्कोर पॉसिबल नहीं है अगर दस एम सी क्यू का टेस्ट लिया देर इज नो नेगेटिव मार्किंग तो यहां पर टेस्ट के मार्क्स हो जाएंगे डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसे सेट ऑफ वेरिएबल जो सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज ही अज्यूम कर सकते हो उनको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट पर अगर मैं वेट की बात करूं तो हो सकता है कि मेरा वेट आज 50.13 केजी हो कल तो वो 15.135 केजी हो जाए और परसों 50.14 केजी हो जाए तो एनीथिंग कैन हैपन ना वेट कोई स्पेसिफिक वैल्यू अज्यूम करेगा ऐसा नहीं है वेट कुछ भी हो सकता है हाइट कुछ भी हो सकती है एज हर एक मोमेंट चेंज होती है तो एज वेट हाइट ये के सब हो जाते हैं क्वॉन्टिन्यूस वेरिएबल और ऐसे वेरिएबल जो कि सिर्फ स्पेसिफिक वैल्यूज को अज्यूम करेंगे दो वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज डिस्क्रीट वेरिएबल्स फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ जीन्स वॉट टेस्ट मार्क्स इन अ नो नेगेटिव या नॉन नेगेटिव एमसीक्यू पेपर तो भाई ये दो डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल और पॉइजन ये पूरी तरीके से बेस्ड है डिस्क्रीट वेरिएबल पे और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल तो देखो मैनुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते थे इसलिए मशीन आई ताकि इधर से हम लोग आलू आई I मीन mean, इधर से वैल्यूज डालें और उधर से आंसर्स निकले और इन मशीन में भी वाइफरकेशन हुआ है ऐसी मशीन जो डिस्क्रीट वेरिएबल को सॉल्व करती है वो बाइनोमियल और पॉइजन है और ऐसी मशीन जो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे फोकस करती है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है so तो देर में भी थियरिटिकल क्वेश्चन इन द एग्जाम तो याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज इज ऑलवेज यूज्ड फॉर कॉन्टिन्यूस वेरिएबल तो चलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ शुरू करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय कार्ल गॉस भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस व्यक्ति ने दिया था उस व्यक्ति का नाम है काल गौस वैसे तो इनका नाम मुझे बताना नहीं चाहिए वरना हो सकता है कि तुम लोग संगठन बना के काल गौस जी के घर पहुंच जाओ कि हमारे जीवन में क्या दुख कम थे प्रोबेबिलिटी पीएनसी रिग्रेशन ये सारे चैप्टर्स ऑलरेडी दे रखे तो तुमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी दे दिया तो काल गौस ने दिया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये याद रखना इट मे बी एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और चूंकि काल गौस ने डिस्ट्रीब्यूशन दिया था इसीलिए हम लोग इसे प्यार से कहते हैं गौशियन डिस्ट्रीब्यूशन अब क्या करें इंडिया में किसी ने दिया होता तो बात अलग होती हो सकता है दुबे जी ने दिया होता अगर दुबे जी ने दिया होता तो इट वुड बिन कॉल्ड एज दुबेड़ी की डिस्ट्रीब्यूशन पर चूंकि इंडियन में किसी ने नहीं दिया इट इज गिवन कार्ल गॉस तो इट इज नेम्ड आफ्टर सर और इट इज कॉल्ड एज अच्छा, ये कौन सा प्रोबाबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हैिटी डिस्ट्रीब्यूशन अब देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि हम ऐसी मशीन लगाएंगे कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा ठीक उसी तरीके से ग्वेशन साहब ने भी कहा कि मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा कि इधर से तुम कॉन्टिन्यूस वेरिएबल का कुछ गिवन डेटा डालो और उधर से तुम्हें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो इन्होंने ना एक बढ़िया सा दिया दिया हुआ है। Normal distribution का formula दिया हुआ है है का ने बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है ध्यान से देखना तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी ये फॉर्मूला देख केक्वल टू वन अपॉन सिगमा अंडर रूट टू पाए दिस इज पार्ट वन ऑफ द फॉर्मूला ध्यान से देखना नजर हटी दुर्घटना घटी इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना जो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी फंक्शन दैट इज वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाए मल्टीप्लाई बाय ई की खोपड़ी पर नेगेटिव एक्स माइनस म्यू बाय सिगमा का होल्स खुले ना, 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 ना। तो तुम लोग देख सकते हो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है बड़ा जरूर है of is one two पार्ट वन ऑफ द फॉर्मूलामूला बहुत आसान है देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाए एक पार्टे याद किया तो चलो तुम सब लोगों को कसम है रिपीट करना है मेरे साथ अगर तुम घर में बैठे और मेरे साथ रिपीट नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है ये मैं पहले से ही भविष्यवाणी तो चलो सब लोग पार्ट वन ऑफ द फॉर्मूला कसम है उसकी अगर तुमने घर पे बैठे बैठे रिपीट नहीं किया तो वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाई एक और बार वन अपॉन द पार्ट ए ऑफ द फॉर्मूला और पार्ट टू है e की खोपड़ी पर नेगेटिव x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर तो बहुत सिंपल है x माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर नाउ व्हाट इज दिस ये क्या है ऐसा सिंबल दिस इज नथिंग बट म्यू इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं म्यू जैसे पोकेमॉन में म्यू टू था वैसे ही ये मीन को रिप्रेजेंट करता है म्यू ठीक है ना तो ये माइनस मीन डिवाइड बाय सिग्मा का होल स्क्वायर है और बाहर नेगेटिव लगा हुआ है और ये सब कुछ ई e की खोपड़ी पर चल रहा है अच्छा व्हाट इज द सिग्मा ये सिग्मा क्या है भाई ये सिग्मा है स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैं एक बार सारी वैल्यूज लिख देता हूँ ये सिग्मा को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ये पाई को हम लोग बोलते हैं ट्वेंटी टू बाई सेवन ये सिग्मा को भी हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन और ये म्यू को हम लोग बोलते हैं मीन और ये होती है टू पॉइंट सेवन एट ठीक है ना तो फिर से देखो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का अपॉन सिग्मा अंडर रूट पाई की खोपड़ी पर नेगेटिव वन बाई टू ओ आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैंने वन बाई टू यहां पर नहीं लिखा था एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा का होल स्क्वायर ठीक है ना तो फाइनली भाई ये वाला फॉर्मूला है जो तुम्हें याद रखना है अब क्यों याद रखना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा क्योंकि इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं ठीक है ना एक बार जल्दी से देख लो मैं चैट ऑन कर रहा हूं और मुझे बताओ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैरामीटर्स का होने वाला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितने पैरामीटर्स का होने वाला है मतलब क्या ये बाय पैरामेट्रिक होने वाला है या फिर ये यूनि पैरामेट्रिक होने वाले कैसा होने वाला है जल्दी से मुझे बताओ जल्दी से घूर लो इसको सभी के जवाब मुझे मिल गए गोइंग टू बाय पैरामेट्रिक अब क्यों बायपैराम होने वाले हैं वो देखो एक बार समझना क्वेश्चन एक्स हमेशा क्वेश्चन देते हैं। तो मुझे बताओ इस पूरे के पूरे फॉर्मूला में तुम्हें सिर्फ दो ही तो वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए एक म्यू और एक सिग्मा एक म्यू और एक सिग्मा That's it. अगर तुम्हें म्यू और सिग्मा मिल गया, तो तो तुम पूरे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के के बेसिस पे आंसर निकाल सकते हो। तो वेरी सिंपल, the entire normal distribution is by parametric. By parametric क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है में सिग्मा इंटू ए की पर नेगेटिव, नेगेटिव बाई एक्स म्यू बाई सिग्मा का होल ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें सिर्फ सिग्मा और म्यू ये ही ऐसे वेरिएबल्स है जिनकी वैल्यू पता होनी चाहिए बाकी सबकी वैल्यू तो पता ही है टू पता है बाई की वैल्यू पता है e की वैल्यू एक्स विल ऑलवेज बी गिवन बाय द क्वेश्चन तो भाई सिर्फ सिग्मा और म्यू अगर तुम्हें पता हो तो तुम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो इसका मतलब है मेरे भाइयों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरा अभी अभी यार देखो गारंटी तो तुमको किसी भी चीज की नहीं है पर अगर बार बार रविजन करते रहोगे तो जरूर याद रहेगा चलो अब मैं चार्ट ऑफ कर रहा तो हूं भाई थोड़ी देर बाद वापस मिल रहे चार्ट सेक्शन आओ आगे बढ़कर बाय पैरामेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ना तो एक्स इज अ वेरिएबल जिसके हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालना चाह रहे हैं एंड इफ इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये वाला जो साइन है ना एरो वाला इसको तुम ऐसे पढ़ो इफ वेरिएबल एक्स फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देन एंड सिग्मा स्क्वेर एक छोटा सा पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकते हैं कि तुम्हें यहां पर वैल्यू सिग्मा की चाहिए हो लेकिन जो पैरामीटर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हैं मीन एंड वेरिएंस। वो स्टैंडर्ड स्टैंड नहीं है तो अगर तुमसे कोई पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछेगा और एग्जाम में के दो पैरामीटर्स होते हैं म्यू एंड सिग्मा स्क्र नॉट जस्ट सिग्मा इट है square, sigma, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज बाय पैरामीट्रिक अब सुनो मेरी बात ध्यान से क्या इस फॉर्मूला से मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं स्ट्रेट अवे नहीं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें इस फॉर्मूला से प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी है बाइनोमियल और पॉइजन में मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा बाइनोमियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला लगाने से ही तुम्हारा आंसर आ जाता था लेकिन याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करना है इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी तो फिर पढ़ाया क्यों ये फॉर्मूला काम का है क्या बिल्कुल है इस पे क्वेश्चंस आते हैं क्या आते हैं लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के क्वेश्चंस नहीं आते तो फिर क्या निकालने के क्वेश्चंस आते हैं इनमें क्वेश्चन आता है सिग्मा और म्यू निकालने का आई रिपीट इस फॉर्मूला के बेसिस पे क्वेश्चन आता है सिग्मा और म्यू निकालने का कैसे वो तुम्हें ना सिमिलर एक्सप्रेशन देते हैं दे ऑलवेज गिव यू द सिमिलर एक्सप्रेशन तुम्हें ये वाला फार्मूला और उस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना है और सिग्मा और म्यू की वैल्यू निकालनी है बहुत सिंपल है मेरे भाइयों नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है अपॉन सिग्मा सिग्मा अंडर रूट पाई टू पावर नेगेटिव म्यू का होल स्क्र अब तुम्हें सिर्फ इस फॉर्मूला को कंपेयर करना है विद द गिवन एक्सप्रेशन इन द क्वेश्चन डोंट वरी अभी मैं तुम्हें एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहा हूं तो मेरे वर्ड ऑटोमेटिकली तुम्हें विजुअलाइज हो जाएंगे तो तुम्हें एक फॉर्मूला दिया है जो तुम्हें याद रखना है और तुम्हें एक एक्सप्रेशन दिया होगा तुम्हें इस एक्सप्रेशन से इस फॉर्मूला को कंपेयर करना है और सिर्फ सिग्मा और मीन निकाल कर देना है मतलब इस पूरे फॉर्मूले को समझाने का मतलब प्रोबेबिलिटी निकालना नहीं था ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी बट द ऑब्जेक्टिव इज टू कैलकुलेट सिग्मा एंड म्यू तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला जल्दी से आ जाओ मेरे भाई तो रहा एक क्वेश्चन वट इज द फर्स्ट क्वार्टाइल चलो ये सब छोड़ते फर्स्ट क्वार्टाइल अभी हटाते हैं अपन अपन तो निकाल रहे हैं म्यू और सिग्मा अभी फर्स्ट क्वार्टाइल तक हम लोग पहुंचे नहीं तो क्वेश्चन रीड करते वट आर म्यू एंड सिग्मा ऑफ एक्स हैविंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और ये तुम्हें फंक्शन दे रखा है तो तुम्हें एक एक्सप्रेशन गिवन है और वो एक्सप्रेशन क्या है वो एक्सप्रेशन है ई e की खोपड़ी पर नेगेटिव एक्स माइनस टेन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेवेंटी टू ये तुम्हें एक फंक्शन दे रखा है और ओरिजिनल एक्सप्रेशन है जो तुमको याद है ओरिजिनल एक्सप्रेशन के जो तुम फॉर्मूला याद करके आए हो वो ओरिजिनल एक्सप्रेशन यहां लिख दो बताओ हम लोग क्या याद करके हैं अपॉन सिग्मा अंडर रूट इंटू की खोपड़ी पर नेगेटिव वन बाई टू एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर ऐसा लिख देता हूं ठीक है ना तो ये हमारा ओरिजिनल एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन है इन दोनों के बेसिस पे हमें बोला गया है कि कैलकुलेट म्यू एंड सिग्मा इन दोनों के बेसिस पे हमें बोला गया है कि हमें म्यू और सिग्मा निकाल के दो यानी कि मीन और स्टैंडर्ड डिविशन निकाल के दो तो तुम्हें कुछ नहीं करना है कंपैरिजन करना है देखो ये पार्ट बी ऑफ द फॉर्मूला और यहां पे भी पार्ट बी ऑफ द फॉर्मूला सबसे पहले तो इन दोनों को कंपेयर कर लो छोटी सी ट्रिक ये है हमेशा याद रखना इट इज द ट्रिक टू बी फॉलोड ऑल थ्रू आउट द एग्जामिनेशन सुन बहुत ध्यान से अगर x के साथ माइनस में कुछ भी है तो वो म्यू ही होगा मैं तो फिर से रिपीट कर रहा हूं x के साथ माइनस में कुछ भी और पूरे का स्क्वायर है तो वो म्यू ही होगा तुम लोग कंपेयर कर सकते हो ना ये x 10 का होल स्क्वायर है यहाँ पे x म्यू का होल स्क्वायर है ये माइनस माइनस साइन दोनों जगह तो भाई ये म्यू जो है ना दिस इज इक्वी वेल टू टेन आउटर इटली हम लोग पार्ट टू को देख के बोल सकते हैं तो भाई मैंने सबसे पहला आंसर लिख दिया म्यू इज इक्वल्स टू टेन टन कैसे आया भाई म्यूक्वल्स टू टेन बहुत सिंपल है यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ था वन अपॉन में अंडर सेवेंटी टू पाए

तो मैं चाह रहा हूं कि सिग्मा की वैल्यू निकल जाए बस अब देखो ना मैं पार्ट ए पार्ट ए को वैल्यू निकल जाए तो अगर मुझे सिग्मा की मेरी कोशिश यह है कि इसको मैं इस तरीके से चेंज करूं कि अंडर आ गया तो मैं सिग्मा की वैल्यू निकाल पाऊंगा बहुत सिंपल सी बात है मैं चाहता हूं कि एक्सप्रेशन ऐसा चेंज हो जाए कि नीचे अंडर रूट टू पाई हो जाए ताकि मैं अंडर रूट टू पाए अंडर रूट टू पाए कट कर दू तो मुझे सिग्मा की वैल्यू निकल मिल जाएगी मेरे भाइयों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं वन अपॉन में टू इंटू टू फोर इंटू टू एट इंटू टू सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू इंटू टू सिक्सटी फोर और फिर तो भैया सेवेंटी टू में तो दिक्कत है सारे सारे टू 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 नहीं आ पा रहे तो फिर क्या करूं एक काम करूं क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं अंडर रूट सेवेंटी टू अंडर रूट पाए इज इक्वल टू तो वन अपॉन में सिग्मा अंडर रूट टू अंडर रूट पाए कैन आई राइट इट दिस वे रूट तो पाए से रूट पाए कैंसल तो मेरे पास क्या आया मेरे पास आया भाई रूट टू बाई रूट सेवेंटी टू इज इक्वल टू वन एफ मेरे पास क्या आया रूट टू बाय सेवेंटी टू इज इक्वल टू वन एफ ऑन मैंने कुछ भी नहीं किया मैंने ये जो रूट पाए रूट पाए था ना इसको कैंसिल आउट कर दिया ठीक है और ये जो रूट टू है इसको यहां पहुंचा दिया हो तो गया रूट टू डिवाइड बाय रूट सेवेंटी टू इज इक्वल टू वन बाय सिग्मा कैन आई राइट द सेम एक्सप्रेशन लाइक दिस क्या मैं रूट कॉमन ले सकता हूं देखो ध्यान से क्या मैं रूट कॉमन ले सकता हूं एंड कैन आई राइट इट दिस वे टू बाई सेवेंटी टू इज इक्वल टू वन बाय सिग्मा तो भाई टू बाय सेवेंटी टू तो एक्सप्रेशन में आएगा अंडर रूट वन बाय थर्टी सिक्स इज इक्वल टू वन बाय सिग्मा ठीक है ना अगर मैंने इसको सॉल्व किया तो वन बाई सिक्स इक्वल्स टू वन बाई सिगमा आ जाएगा ओ ओहो होना दाना। दाना। फाइनली हमारा आंसर आ गया तो अगर तुम लोग चेक कर सकते हो वन बाय सिक्स इक्वल्स टू वन बाय सिग्मा है तो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 6 के बराबर तो फाइनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मुला बेस्ड हम लोगों ने क्वेश्चन करके देख लिया बहुत सिंपल है हमें एक्सप्रेशन गिवन था और इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करना था विद ओरिजिनल एक्सप्रेशन और म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालनी थी तो हम लोगों ने म्यू डायरेक्टली निकाल लिया टेन और सिग्मा की वैल्यू निकाल ली सिक्स इट इज दैट इजी अगर तुम लोग चेक करोगे ना तो यहां पर भी सेवेंटी टू इसी वजह से आया है क्योंकि सिग्मा स्क्वायर था 36 और 36 का मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ क्योंकि यहां पर फॉर्मुला में क्या है 1 सिग्मा स्क्वायर तो 2 इंटू सिग्मा स्क्वायर अगर मैं यहां पे करता तो सिग्मा स्क्वायर होता 36 और 36 सिक्स मल्टीप्लाई बाई टू इसलिए डिनोमिनेटर में सेवेंटी है तो म्यू की वैल्यू तो टेन के बराबर है ही तो जल्दी से अब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या तुम्हें समझ में आया पूछो अब तुम्हारे डाउट्स जल्दी से मैंने चार्ट ऑन कर दिए बताओ हाँ राशि वैसे भी कर सकते हो तुम 72 को फिर ऐसा कर सकते हो टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री वैसे भी कर सकते हो अरे इतना सारा नहीं है आसान है भाई वो तो मैंने समय लेके कराया नहीं म्यू की वैल्यू नहीं होगी भाई देखो यहाँ पे भी नेगेटिव है यहाँ पे भी नेगेटिव है तो म्यू टेन के बराबर हुआ ना अगर एक्स प्लस म्यू होता और यहाँ पे एक्स माइनस टेन लिखा होता तो म्यू की वैल्यू ना यहाँ पे एक्स माइनस म्यू लिखा हुआ है और एक्स माइनस टेन लिखा हुआ है तो म्यू टेन के बराबर है

अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन तो मुझे एक्सप्रेशन दे रखा है क्या एक्सप्रेशन दे रखा है e की पर और मेरा ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है वट इज दिजिनल फॉर्मूला ओरिजिनल फॉर्मूला पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन सिग्मा अंडर रूट टू पाए मल्टीप्लाई होल परूंगा तो अगर मैं कंपेयर करूंगा मेरे भाइयों तो कंपैरिजन से मुझे क्लियरली पता है अगर मैं इन दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूँ ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर मैं इन दो एक्सप्रेशन को कंपेयर करता हूं तो मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि म्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव सॉरी म्यू इज गोइंग टू बी फोर मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है कि म्यू इज गोइंग टू बी क्योंकि यहां पे x -4 है और वहां पे x माइनस म्यू है तो म्यू बराबर हो गया फोर के सबसे पहले तो ये क्लियर कर लो भाई नेगेटिव फोर नहीं होता क्योंकि यहां पे माइनस लगा हुआ है ना यहां पे भी माइनस लगा हुआ है यहां प्लस होता तो मैं बोल सकता था कि म्यू इज गोइंग टू नेगेटिव और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यहाँ पे भी माइनस है अगर मैं की फोर रख दूंगा तो यहाँ पे तो फिर प्लस फोर आना चाहिए था यहाँ पे तो प्लस फोर आना चाहिए था भाई म्यू की वैल्यू तो आ गई प्लस फोर अब सिग्मा निकाल लें तो मुझे है वन अपॉन अंडर रूट पाई को कंपेयर करना पड़ेगा वन अपॉन में सिग्मा पे, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं और फाइनली ये वाला जो रूट टू है इस रूट टू को मैं इधर पहुंचा देता हूं इस रूट टू को मैं इधर पहुंचा देता हूं तो भाई या सिग्मा को इधर पहुंचा देता हूँ ना रूट टू को क्यों पहुंचाऊं सिग्मा को ही पहुंचा देता, देता हूं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप मैं लिख सकता हूं इक्वल टू वन अपॉन अंडरू टू दा दा। दा 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 दा। चलो तो फाइनली मुझे बता दो क्या ये वाला फॉर्मूला सबको समझ में आ गया और ये भी समझ में आ गया कि इस फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चंस तुम्हें एग्जाम में पूछे जाएंगे आई रिपीट बहुत ही सिंपल है भाई एक एक्सप्रेशन दिया होगा हमें हमारा याद रखना है हमारे फॉर्मुले को एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करना है म्यू म्यू निकालना सिग्मा निकालना है है सिग्मा सिग्मा पार्ट पार्ट से से आएगा म्यू और part A से आएगा और ए एक्स में से जो भी माइनस हो 99% ऑफ द क्वेश्चंस में वही म्यू होता है तो स्ट्रेट अवे तुम लोग म्यू तो निकाल ही सकते हो और म्यू निकालने के बाद तुम नॉकआउट भी कर सकते हो चेक कर लेना ऐसे कौन कौन से ऑप्शन है जिसमें म्यू है वो वाले ऑप्शन ही आगे के लिए रिलेवेंट होंगे और फिर सिग्मा निकाल लेना पार्ट ए और पार्ट ए को कंपेयर करके बस ये रूट पर रूट पर मतलब हमेशा इस सिंपल सा तरीका था ये रूट पाए रूट पाए कैंसिल किया और ये रूट टू को इधर भेज दिया अगर रूट टू को इधर भेजा और दोनों पे रूट है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी तो इनको बड़ी छत में रख लिया तो ये हो गया टू बाई सेवेंटी टू

डायरेक्टली निकाल सकते हो तो बिल्कुल एक था तुम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो कोई नहीं हाँ। लाइक कर दो भाई सब लोग सशिन को निखिल शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे। हाँ। से अब मैं बंद कर रहे हैं और हम लोग नए की आगे बढ़ रहे थोड़े समय बाद चल अब देखो ये नॉर्मल तुम्हें कैसे शेप का दिख है इट इज सर्टनली बेल शेप्ड जैसे पहले एक घंटिया रगी रहती थी ना दरवाजों के बाहर बोलना आंटी आऊं क्या घंटी मैं बजाऊं क्या तो ये भी बेल शेप्ड है ठीक है ना तो नॉर्मल कर्व इज ऑफ बेल शेप्ड तुम लोग देख सकते हो उसका शेप इट इज जस्ट लाइक अ बेल अच्छा अब ध्यान से मेरी बात सुनना नॉर्मल कर्व की जो एंड है ना ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करते ये एक्स एक्सिस है दिस नथिंग बट एक्स एक्सिस तो ये x एक्सिस को कभी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ टच नहीं करेगा द ग्राफ ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विल नॉट एवर बी टच बाय x एक्सिस तो भाई इसी को हम लोग बोलते हैं एसिम्प्टोटिक और याद रखना इसको क्या बोलते हैं एसिम्प्टोटिक तो तुमको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। नॉर्मल कर्व इज तो आंसर आएगा एसिम्प्टोटिक एसिमटोटिक मतलब कर्व एक्स एक्सिस को टच नहीं करता Parallel चलता रहेगा एक्स एक्सिस के पर पर टच नहीं करेगा मैं इसको अगर एक्सटेंड भी तो ऐसा बनेगा और याद रखना ये जो नॉर्मल ये तुम्हें बताता है प्रोबेबिलिटी अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है में। मुझे सबके कंसंट्रेशन की जरूरत है और सबके एफर्ट की जरूरत है पूरे ध्यान से अब इसको देखना ये मशीन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की और काल गौस साहब ने एक ऐसा नॉर्मल कर्व बना दिया और कहा इस नॉर्मल कर्व की टोटल एरिया वन के बराबर है इस नॉर्मल कर्व की टोटल एरिया इज इक्वल टू वन कालगौस ने बोला कि देखो ये नॉर्मल कर्व है ना ये तुम्हें प्रोबाबिलिटी बताते है काल गौस का बहुत सिंपल से कहना है कि मान लो हेमा रेखा जया सुषमय हेमा रेखा जया और सुषमा ऑन एन एवरेज बेसिस 50 मार्क्स स्कोर करते हैं तो हेमा रेखा जया सुषमा के 50 मार्क्स स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी विल बी हाईएस्ट और बात भी सही है चल इसको अलग तरीके से समझते हैं विराट कोहली विराट कोहली का एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में फोर्टी फाइव और अगर विराट कोहली का एवरेज फोर्टी है और मुझे इस बात पे एनालिसिस uh, करना है या इस बात का प्रोडिक्शन करना है कि विराट कोहली अगले मैच में कितने रन बनाएगा तो माय हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वुड गो फॉर 45 नॉट 99 नॉट 100 नॉट 86 नॉट 0 नॉट 1 नॉट 2 हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी विल बी एट 45 तो नॉर्मल कर्व का निर्माण भी यही सोच के किया गया उन्होंने बोला कि सेंटर में होता है मीन सेंटर में होता है मीन मीन यानी कि म्यू

और जैसे ही मैं बोलने लगा हूँ विराट कोहली फोर्टी फाइव से कम रन बनाएगा मेरी प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी तो सिंपल शॉर्ट टर्म में यह है कि एवरेज पर प्रोबेबिलिटी इज प्रोबाबिलिटीज से राइट एंड साइड प्रोबेबिलिटी विल कम प्रोबाबिलिटीज से लेफ्ट एंड साइड प्रोबेबिलिटी विल गो डाउन तो एवरेज पर प्रोबेबिलिटी इज गोइंग टू बी हाइएस्ट ऐसा कारग सामने कहा और उन्होंने बोला कि टोटल एरिया इज ग्राफ की वन है मतलब जो भी प्रोबेबिलिटी निकलेगी वो इस ग्राफ के अंदर से निकलेगी फिर उन्होंने बोला कि देखो मीन के लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट फाइव और मीन के राइट हैंड साइड भी प्रोबेबिलिटी इज पॉइंट फाइव बोले अगर जो भी एवरेज स्कोर है ना विराट कोहली का 45 विराट कोहली 45 से ज्यादा बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी फिफ्टी परसेंट और विराट कोहली 45 रन से कम बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी विल आल्सो प्रोबाबिलिटी परसेंट तो कार ने क्लियरली डिफाइन कर दिया बोले अगर विराट कोहली का एवरेज स्कोर 45 है तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी 45 पे होगी उससे ज्यादा बनाने की प्रोबाबिलिटीज फिफ्टी परसेंट उससे कम रन बनाने की प्रोबेबिलिटीज ऑल्सो फिफ्टी परसेंट फाइनली इसी के कारण इसे कहा जाता है

तो भैया ये नॉर्मल कर भी सिमेट्रिक है इसका मतलब है इसका लेफ्ट हैंड साइड वाले एरिया राइट हैंड साइड वाले एरिया दोनों ही फिफ्टी फिफ्टी परसेंट है अच्छा, इंफिनिटी से लेकर म्यू तक की एरिया कितनी हुई पॉइंट फाइव मतलब पता नहीं ना ग्राफ कितना लंबा जाएगा यहाँ पे कितनी भी दूर जा सकते हैं तो काल गॉस भाई साहब ने बोला कि भैया नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर म्यू तक की एरिया इज पॉइंट फाइव और म्यू से लेकर पॉजिटिव पॉजिटिव इन्फिनेटी तक की एरिया इज ऑल्सो फाइव आगे बढ़ते हैं अच्छा जल्दी से मुझे बताओ क्या यहां तक सब लोग क्लियर हो मैं चैट ऑन कर रहा हूं जल्दी से मुझे बता दो फिर बढ़िया से हम लोग इस ग्राफ को समझने जा रहे कि आप डर तो नहीं लग रहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जल्दी से बताओ थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा है चलो तो अब 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 कोई चार्ट नहीं अब अपन सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे जाते हैं ठीक है ना अब ये देखना अगले दस मिनट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण मैच की क्लास अभी रहेगी तक और कल भी सेम टाइमिंग पे दो घंटे की रोज क्लास रहेगी सुजीत तो भाई अब अगले दस मिनट खुद को बहुत संभालना क्योंकि ये वाला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो जाएगा पर अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए तो थोड़ी सी परेशानी होगी तो अब तुम्हारे अगले दस मिनट मुझे सिर्फ मुझे ही चाहिए मतलब मैं नहीं चाहता कि तुम टेक्स्ट का रिप्लाई कर रहे हो हाँ खाना खा लिया डोंट डोंट रिप्लाई अभी पूरा फोकस मेरे ऊपर अगले दस मिनट ये देखो ये अमन वासमानी को मस्ती सूझ रही है अमन जैसे लोगों के कारण चार्ट बंद करना पड़ता है बोले ऋतिक रोशन का सिमेट्रिक नहीं होगा अरे अमन भाई मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया ना मैं ऋतिक रोशन का कहा एग्जाम्पल दिया और उसका सिमेट्रिक नहीं है तो नहीं है तुम तुम्हारी सिमेट्री जमाओ या जीवन में रोशन की सिमेट्री जमाने से क्या होगा भाई वैसे तो सैफ अली खान का भी नहीं होगा कभी तो अंगूठा काट दिया था दूसरी सीरीज में बंद कर रहा हूं चैट आओ

कैसे निकाला सेंट्रल टेंडेंसी सेंट्रल टेंडेंसी से निकाल लिया एवरेज और मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन से निकाल लिया स्टैंडर्ड डिविएशन तो मैंने बोला साहब विराट कोहली का जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है पांच का और विराट कोहली का जो मीन है वो है पैंतालीस का मतलब जो एवरेज है दैट इज ऑफ फोर्टी और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो है फाइव का तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल हाँ विराट कोहली का एवरेज स्कोर 45 और स्टैंडर्ड डिविएशन मैंने विराट कोहली भाई साहब का बोल दिया 5 के बराबर अब सुनना काल साहब क्या बोल रहे हैं काल साहब बोल रहे हैं देखो मैं काम करता हूं ना ये मीन मीन ये म्यू है मेरे पास ये म्यू है और ये सिग्मा है मैं म्यू और सिग्मा को रिलेट करके तुम्हें ग्राफ में छोटी छोटी जगह पॉइंट्स दे देता हूं मैंने कहा साहब से पूछा मैंने बोला साहब विराट कोहली 45 स्कोर करेगा तो क्या काल बोले सबसे हाईएस्ट और मैंने बोला अगर 45 से थोड़ा कम करे, और थोड़ा करे तो, तो काल बोला, बोले, कोई बात नहीं, मैं काम करता हूं, इस ग्राफ में तुमको अलग, -अलग पॉइंट दे देता हूं तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी निकालना मैंने बोला ठीक है दे दो। तो काल बोला देखो ऐसा है कि मैं स्टैंडर्ड डिशन और मीन के बीच की रिलेशनशिप निकालूंगा म्यू और सिग्मा के बीच की रिलेशनशिप निकाल के इस ग्राफ में छोटे छोटे पॉइंट बनाऊंगा और उन पॉइंट पर कितनी प्रोबेबिलिटी है वो मैं तुमको बता दूंगा मैंने बोला साहब काल जी ये ग्राफ से प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है ये तो ग्राफ की एरिया निकल जाएगी मान लो मैं यहां खड़ा हूं तो भैया मेरी एरिया निकल रही है तो ग्राफ की मैंने बोला साहब प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी तो कालका साहब ने बोला बोले मैंने अज्यूम कर लिया है मान लिया है मन से कि ये पूरा ग्राफ जो है इसकी प्रोबेबिलिटी वन के बराबर है इस पूरे ग्राफ की एरिया को मैंने वन मान लिया और अब इसके अंदर तुम जो जो भी एरिया निकालोगे वो एरिया तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मैंने वेरी गुड साहब तो अब आप मेरे को ये बता दो कि किस किस पॉइंट पर कितनी कितनी एरिया है यानी कि कितनी कितनी प्रोबेबिलिटी है तो भाई इन्होंने बोला कि अगर मैं एक बार म्यू प्लस माइनस सिग्मा करता हूं क्या करता हूं म्यू प्लस माइनस सिग्मा म्यू प्लस माइनस सिग्मा का मतलब ये हुआ एक बार म्यू प्लस सिग्मा और एक बार म्यू माइनस सिग्मा तो विराट कोहली एक बार पचास रन बनाए और एक बार चालीस ही रन बनाए यानी कि विराट कोहली 40 से 50 रन के बीच में स्कोर करे इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बता देता हूं मैंने क्या किया मीन में एक बार सिग्मा प्लस कर दिया और मीन में एक बार सिग्मा माइनस कर दिया तो एक बार हो गया 45 फाइव प्लस फाइव और एक बार हो गया 45 फाइव माइनस फाइव तो विराट कोहली 40 स्कोर करे या विराट कोहली 50 स्कोर करे इन दोनों के बीच की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो मैंने बोला कार्का एग्जैक्ट पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी नहीं देते क्या

म्यू प्लस माइनस सिगमा की प्रोबेबिलिटी सोचेगा और नंबर हुआ तो इतने सारे नंबर इतने सारे क्वेश्चन तो ऑलरेडी पढ़ के आ रहे भूलेगा भूला तो बोले इसलिए ना मैंने मैथ्स को कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश बोले इंग्लिश बढ़िया सब्जेक्ट है

फिक्स सिक्स रेट एट वेरी गुड साहब मतलब काल गौस ने बोला कि विराट कोहली पै, पैतालीस रन बनाए इस पर प्रोबेबिलिटी हाइएस्ट और चालीस से पचास के बीच में इसकी ऑलरेडी गिवेन सिक्सटी एट पॉइंट थ्री जीरो परसेंटेज मैंने बोला ओ भाई मतलब ये पॉइंट हो गया मेरा चालीस रन वाला ये पॉइंट हो गया मेरा पचास रन वाला और ये वाला पॉइंट हो गया पैतालीस रन वाला अगर विराट कोहली चालीस से पचास रन बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी सीधे निकल के आ जाएगी 68.30 परसेंटेज ऐसा साहब ने क्लियरली तुमको बोल दिया बोले अब तुमको और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है तुमको ये देखना है दिखना और म्यू माइनस के बीच की प्रोबेबिलिटी पूछी है तो वो 68.30 परसेंटेज ही होगी क्लियर रखना फिर मैंने बोला साहब अगर मान लो मू प्लस माइनस टू सिग्मा कर दिया तो कालग ने बोला तुम बोल रहे हो कि पैतालीस में से दो बार पांच माइनस कर दे और पैतालीस में दो बार पांच प्लस कर दे मैंने बोला बिल्कुल ठीक पैतालीस में से अगर दो बार सिग्मा माइनस किया और पैतालीस में अगर दो बार सिग्मा प्लस किया तो क्या होगा बिकम फिफ्टी फाइव एंड दिसविल बिकम थर्टी फाइव तो विराट कोहली थर्टी फाइव से 55 के बीच में स्कोर करे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी विराट कोहली 35 से 55 के बीच में स्कोर करे बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पहले हो ये पूछ लिया क्योंकि तो एवरेज कितना था 45 स्टैंडर्ड डिविजन था 5 तो मैंने बोला 45 में से दो बार 5 माइनस कर दो और 45 में दो बार प्लस कर दो तो मुझे एक बड़ी रेंज मिल गई 35 55 तो तो मैंने पूछा साहब साहब म्यू प्लस माइनस सिग्मा की एरिया के है? उसकी बोला क्या है ये शाइन लाइफ लाइफ तो बोले नाइन फाइव फाइव 95.50 परसेंट मैंने बोला अच्छा अगर मैं यहां पे खड़ा हूं यहां पे खड़ा हूं मतलब 35 पे, पे खड़ा हूं और 55 पे खड़ा हूं तो 35 और 55 की टोटल मिलाकर एरिया कितनी होने वाली है 35 और 55 की टोटल मिलाकर एरिया होने वाली है 95.5 परसेंट तो तुमको कुछ नहीं करना अगर तुमको म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा की एरिया पूछे तो वो हो जाएगी मैंने बोला बहुत ही बढ़िया साफ अभी तक तो जीरो समझ में म्यू प्लस माइनस सिग्मा की एरिया है और म्यू प्लस टू सिग्मा की एरिया है यानी कि विराट कोहली चालीस से पचास के बीच में रन बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी सिक्सटी एट पॉइंट थ्री जीरो परसेंटेज और विराट कोहली 35 से पचपन के बीच में रन बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी नाइनटी फाइव परसेंटेज मैंने बोला ठीक है वेरी गुड साहब अब बताओ नेक्स्ट क्या है नेक्स्ट है शाइन शाइन रेवेन मैंने बोला साहब ये जरूर से ना म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा होगा तो कालिगा साहब ने बोला बिल्कुल ठीक है मैं तुमको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं फोर्टी फाइव माइनस और फोर्टी फाइव प्लस के बीच की यानी कि दिस विल बिकम 30 एंड दिस विल बिकम सिक्सटी तो विराट कोहली 30 से 60 रन के बीच में स्कोर करे इसकी प्रोबेबिलिटी इन्होंने बोली शाइन शाइन रेवन मैंने बोला क्या होता है ये शाइन शाइन रेवन तो वो बोले नाइन नाइन सेवन यानी कि नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो परसेंटेज तो मैंने बोला आह मजा आ गया जबरदस्त मतलब विराट कोहली पैंतालीस रन बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट। 40 से 50 के बीच में बना है इसकी प्रोबेबिलिटी 68.30 परसेंटेज और 35 से 55 के बीच में रन बना है इसकी प्रोबेबिलिटी इस 95.5 और 30 से 60 के बीच में रन बनाने इसकी प्रोबेबिलिटी इज इस 99.70 परसेंटेज तो मैंने बोला अगर ये है सपोज 30 और ये है सपोज 60 तो तुम बोल रहे हो कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है 30 और 60 के बीच की वो हो जाएगी 99.70 परसेंटेज ओ भाई क्रेजी 99.70 परसेंटेज पॉइंट सेवन दन जीरो परसेंटेज तो मैंने पूछा कालिश साहब हाथ जोड़ के बोल रहा हूं आप क्या कहना चाहते हो तो कालगास ने बोला देखो डरने की मुझसे कोई जरूरत नहीं है मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि मेरा एक ग्राफ है उस ग्राफ की टोटल एरिया हंड्रेड प्रोबेबिलिटी वन मैं बोलता हूं कि मीन पे जो है है वो प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट तुम चेक कर सकते हो पैंतालीस प्रोबाबिलिटी और जैसे जैसे तुम मीन के राइट हैंड साइड जाओगे और मीन के लेफ्ट हैंड साइड जाओगे प्रोबेबिलिटी गिरती चली जाएगी मैंने पूछा साहब कि अगर मेरे को एवरेज पता है स्टैंडर्ड डिजन पता है तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूँ उन्होंने बोला नीकी और पूछ पूछ एवरेज और स्टैंडर्ड डिविशन से तुम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो मैंने बोला विराट कोहली ने 45 स्कोर किया इसकी प्रोबेबिलिटी बोले हाईएस्ट। मैंने बोला विराट कोहली 40 से पच, 40 से 50 स्कोर करे तो बोले ये तो तुम म्यू प्लस माइनस सिग्मा कर रहे हो और अगर तुम म्यू प्लस माइनस सिग्मा करते हो तो उसकी एरिया 68.30 परसेंटेज और म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा करोगे तो उसकी एरिया 95.50 परसेंटेज और म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा करोगे तो इसकी एरिया 99.70 परसेंटेज ऐसा ने क्लियरली लिख कर दे दिया कि अगर ऐसा होगा तो एरिया यही होगी मैंने बोला ठीक है तो फाइनली म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा की एरिया होगी फिक्स रेट फ्री यानी कि सिक्सटी एट पॉइंट थ्री जीरो परसेंटेज म्यू माइनस टू सिग्मा और म्यू प्लस टू सिग्मा की एरिया होगी नाइनटी नाइन पॉइंट एरिया होगी नाइन पॉइंट सेवन जीरो परसेंट चलो अब मैं जल्दी से चार सेक्शन ऑन कर रहा हूं मुझे बताओ कि क्या ये बात सब लोगों को क्लियर है बोल बोलो रेना कौन क्या ये बात क्लियर है बहुत ही बढ़िया ऐसा हम कह नहीं सकते लतिका कि 45 पे पर 50 परसेंट होगी दैट वी कैन नॉट से क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस है ना ये एक पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके नहीं देता ये रेंज के लिए कैलकुलेट करके देते हैं 45 पे क्या होगी नहीं बता 40 से 45 पूछो कि बता सकता हूँ 45 से 50 पूछो कि बता सकता हूँ 40 से 50 पूछो कि बता सकता हूँ एग्जैक्ट पॉइंट के लिए प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता क्योंकि कॉन्टिन्यूस है डिस्क्रीट है नहीं अपन ने डिस्कस किया स्टार्टिंग में अरे पार्थ भाई तुमको पापा लड़की दिखाने जाएंगे और तुम लड़की के गले में वहीं पे मंगल मंगलसूत्र डाल दोगे बोले मुझे बहुत जल्दी है बताऊंगा क्वेश्चंस कैसे आएंगे बनन भाई तुम भी पार्थ को ज्वाइन करने वाले हो रुको रे बताऊंगा अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे मैंने कभी छोड़ा है क्या ऐसे हां यही पर अभी तो मैंने सिर्फ यह बताया कि μ+ σ तो कालगौर साहब ने क्या बोला μ+ 2 σ तो कारोगर साहब ने क्या बोला म्यू प्लस माइनस थ्री सिग्मा हो तो कारोगर साहब ने क्या बोला ठीक है ना बहुत क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा एक बार बस मेरे साथ रिपीट कर दो यार जल्दी से क्या क्या परसेंटेज है फिक्स रेट फ्री जल्दी से रिपीट कर दो सब लोग मेरे साथ फिक्स रेट फ्री शाइन लाइफ लाइफ शाइन शाइन रेवेन्यू तो जल्दी से रिपीट करो मेरे साथ फिक्स रेट फ्री शाइन लाइफ लाइफ शाइन शाइन रेवन फिक्स रेट फ्री शाइन लाइफ लाइफ शाइन शाइन रेवन जल्दी से फिक्स रेट फ्री शाइन लाइफ लाइफ शाइन शाइन रेवन फिक्स रेट फ्री शाइन लाइफ लाइफ शाइन शाइन रेवन यानी कि 68.30 95.50 और 99.70 सिंपल हो गया चल आगे बढ़ते हैं अब सुनना मेरी बात ध्यान से बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना अब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला, ने, कि मैं इसको म्यू माइनस लिखूं इससे है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लिखना है लिखो मैंने तो याद कर लिया कि म्यू प्लस माइनस सिग्मा होगा तो नाइन सिक्सटी एट पॉइंट थ्री जीरो और म्यू प्लस माइनस टू सिग्मा होगा तो नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव जीरो

और सिग्मा को मैं मान लेता हूँ वन तो मैं म्यू को जीरो मान लेता हूँ लिखना पड़ेगा क्योंकि मैंने म्यू को जीरो मान लिया और सिग्मा को वन मान दे तो लिया तो म्यू को जीरो मान लिया और सिग्मा को वन मान लिया बहुत ही आसान सी बात तो काल ने बोला कि भैया मेरा जो ग्राफ है ना उसमें मैं सिग्मा को वन मान लेता हूँ ऐसा कर लो तो म्यू प्लस म्यू प्लस किसके बराबर हो गया थ्री के बराबर म्यू माइनस थ्री सिग्मा किसके बराबर हो गया नेगेटिव थ्री म्यू माइनस टू सिगमा नेगेटिव टू और म्यू माइनस सिगमा नेगेटिव वन भाई क्यू की सिग्मा को मैंने मान लिया वन और म्यू को मैंने मान लिया जीरो तो म्यू और सिग्मा को हम लोग प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट म्यू और सिग्मा को हम लोग प्यार से कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कि कालगौ सामने मन से जूम कर लिया कि म्यू जीरो बेसिस पे मैं पूरे ग्राफ की एरिया दे देता हूं मैंने बोला ठीक है साहब एक ही बात है तो जैसा कि म्यू माइनस सिग्मा म्यू प्लस सिग्मा के बीच की एरिया होती थी 68.30 परसेंटेज वैसे ही नेगेटिव वन से लेकर प्लस वन की एरिया हो जाएगी 68.30 परसेंटेज अच्छा अब मुझे एक बात बताओ तो ना मैं पॉइंट्स दे देता हूं सुनो ये मैंने पॉइंट दे दिया ए ये पॉइंट दे दिया एम और ये पॉइंट दे दिया बी विराट कोहली वाले रन याद है एवरेज था विराट कोहली का पैतालीस अगर म्यू माइनस किया तो चालीस और म्यू प्लस किया तो पचास अब तुमको पता है सुनना सुनना ध्यान बहुत -बहुत ध्यान से से बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात ना तुमको पता है बोले अगर 40 से 50 के बीच में विराट कोहली रन स्कोर करे आई रिपीट 40 से 50 के बीच में विराट कोहली रन स्कोर करे तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है 68.30 परसेंट मैंने बोला साहब बिल्कुल बढ़िया परफेक्ट विराट कोहली 40 से 50 के बीच में रन बनाए इसकी प्रोबेबिलिटी 6.e 68.30 परसेंटेज पर किसी ने मेरे से सवाल पूछा सुनना तुम में से नालायकों ने किसी से सवाल पूछा बोले ऐसा है देखो भाई मेरे को ये बताओ विराट कोहली 40 से 45 के बीच में स्कोर करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी क्या पूछे बोले विराट कोहली 40 से 45 के बीच में स्कोर करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी तो मैंने बोला देखो ये जो बीच में M है ना M ये दोनों साइड की एरिया को सेम कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल मिडिल में है बिल्कुल मिडिल में है तो मैंने बोला देखो 40 से 50 की टोटल एरिया 68.30 और अगर तुम 40 से 45 पूछ रहे हो तो 40 से 45 की एरिया आधी है 68.30 परसेंटेज के तो 40 से 45 की एरिया हो जाएगी सिक्सटी एट पॉइंट थ्री जीरो डिवाइड बाय टू तो मैंने बोला देखो सिक्सटी एट पॉइंट थ्री डिवाइड बाय टू करता हूं मैं तो वैल्यू मेरी क्या आएगी एक मिनट वैल्यू आएगी थर्टी फोर पॉइंट वन फाइव तो सुनो पायल गौर साहब ने मेरे को बोल दिया बोले 40 से 50 के बीच में स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी 68.3 फिर किसी ने मुझसे पूछा कि 40 से 45 के बीच में स्कोर करना हो तो मैंने बोला कोई बात नहीं 68.3 का आधा कर दो और 45 से 50 के बीच की एरिया 68.3 का आधा यानी कि 34.15 34.15 वेरी गुड फिर विराट कोहली के 35

फिक्स रेड फ्री शाइन लाइफ लाइफ तो शाइन लाइफ लाइफ मतलब 95.50 अब ठीक है सुन ना अब मुझसे किसी नालायक ने पूछा बोले तुमको ये तो पता है कि 35 से 55 की एरिया क्या है तुमको ये तो पता है 35 से 55 की प्रोबेबिलिटी क्या है मुझे अगर 35 से 40 की प्रोबेबिलिटी जानना हो तो फिर से सुनना मेरे को पता है विराट कोहली 35 से पचपन रन के बीच में स्कोर करे इसकी प्रोबाबिलिटी जीरो इस परसेंटेज पर किसी ने पूछा बोले अगर विराट कोहली की 35 से 40 के बीच की प्रोबाबिलिटी जानना हो तो, तो मैंने बोला कुछ नहीं साफ सुनो ये दो साइड है और बीच में एम है यानी कि मीन ये टोटल मिलाकर ना नाइन्टी है 45 के इधर वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी आधी और 45 के इधर वाले हिस्से की प्रोबेबिलिटी आधी तो 95.50 करता हूं और डिवाइड बाय 2 करता हूं तो ये जो पूरा एरिया आएगा ना ये पूरा एरिया ये पूरा एरिया 35 से लेकर 45 तक इसकी एरिया हो जाएगी 47.75 35 से लेकर 45 तक और 45 से लेकर 55 तक इसकी एरिया हो जाएगी 47.75, 90.50 का आधा यहां तक की एरिया निकालिए देखो ये टोटल एरिया 95.50 है तो जीरो से लेकर टू तक की एरिया या फिर 45 से लेकर 55 तक की एरिया है 35 से लेकर, लेकर 45 तक की एरिया क्या होगी 47.75, 95.50 को डिवाइड बाय टू कर दिया तो कितनी एरिया हुई 47.75 अच्छा मैं जैसे ही बोला कि टोटल एरिया 47.75 है और इसको मैं पॉइंट मान लेता हूं सी और इसको पॉइंट मान लेता हूं डी तो भैया C से लेकर M तक की एरिया इस 47.75 तो भैया C से लेकर कर A की एरिया कितनी होगी C से A की एरिया C से A की एरिया 47.75 47.75 माइनस थर्टी फोर पॉइंट वन फाइव यानी कि थर्टीन पॉइंट यहाँ की एरिया कितनी हुई थर्टीन पॉइंट कोहली पैंतीस से चालीस के बीच में रन बनाए इसकी प्रोबाबिलिटी कितनी है बोला बहुत बढ़िया शाबाश यहाँ तक आ गया फिर बोले विराट कोहली तीस से साठ के बीच में रन बने विराट कोहली तीस से साठ के बीच में रन बने बताओ इसकी क्या प्रोबाबिलिटी तो बहुत ही सिंपल तीस रन यहां और साठ यहां मुझे इसकी टोटल एरिया ऑलरेडी दे के रखी हुई है इसकी टोटल एरिया है नाइंटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो परसेंट कि टोटल एरिया मुझे दे रखी है 99.70 परसेंटेज अब सुनो इनने ना मेरे वापस से मजे ले लिए वापस मजे ले लिए इनने अब इन्होंने बोला कि बोले विराट कोहली जो है वो 55 से 60 के बीच में स्कोर करे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो क्या बोला इन्होंने बोला विराट कोहली 55 से 60 के बीच में स्कोर करे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो तो मैंने बोला ठीक है सर सुनो 45 से ये वाला एरिया और 45 से ये वाला एरिया दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम होगी इन पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं ई e और एफ तो ई e से लेकर एम तक की प्रोबेबिलिटी सेम और एम से लेकर एफ तक की प्रोबेबिलिटी सेम क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो सिमेट्रिक तो है दोनों साइड बराबर होगा अब किसी ने मुझसे डी और एफ की प्रोबेबिलिटी पूछी डी और एफ के बीच की प्रोबेबिलिटी तो मैंने बोला साहब देखो ऐसा है e से लेकर m तक और m से लेकर f तक की टोटल प्रोबेबिलिटी 99.7 है तो अगर मैं 99.7 को डिवाइड बाय 2 कर दूंगा तो मुझे e से m तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी और m से f तक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो 99.7 को मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया जैसे ही डिवाइड बाय 2 किया तो मेरे पास आंसर आया 49.85 मतलब E से लेकर M तक की एरिया एज 49.85 मैंने शाबाश बढ़िया अगर 49.85 टोटल एरिया है 49.85 टोटल एरिया है तो 49.85 में से अगर मैं 34.15 माइनस कर दूं और 13.6 माइनस कर दूं तो मुझे इस पॉइंट की एरिया मिल गई 2.10 तो D से F तक की प्रोबेबिलिटी इज 2.10 2.10 और E से C तक की प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो 2.10 यानी कि अब इस चार्ट को देख के मैं विराट कोहली के हर एक रन प्रेडिक्ट कर सकता हूं हर एक रन पे प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकता हूं विराट कोहली 30 से 35 बना इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 2.10 परसेंट 35 से 40 बना इसकी प्रोबेबिलिटी 13.60 परसेंट 40 से 45 बना इसकी प्रोबेबिलिटी 34.15 एंड सो ऑन यहां पे भी सीन। अच्छा फिर किसी ने मुझसे पूछा बोले अगर विराट कोहली तीस से कम रन बनाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ तो मैंने बोला आसान है ना भाई मेरे को पता है कि नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर एम तक पॉइंट फाइव होता है नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर एम तक पॉइंट फाइव होता है यानी कि फिफ्टी परसेंट अब फिफ्टी में से अगर मैं फोर्टी नाइन पॉइंट एट फाइव माइनस कर दू क्योंकि यहां से ई से लेकर एम तक टोटल फोर्टी था तो लास्ट में मेरे पास बचेगा पॉइंट वन फाइव लास्ट में बचेगा पॉइंट वन फाइव तो विराट कोहली सात से ऊपर रन बनाए और तीस से नीचे रन बनाए इसकी प्रनली पॉइंट वन फाइव परसेंटेज अब जल्दी से मैं चार्ट सेक्शन ऑन करूं मुझे पूरी उम्मीद है कि डाउट्स की बौछार आने वाली पर देख लेते हैं दाओ, मेरे काले पीले नीले नालायक बच्चों क्या तुम्हें यहां तक समझ में आया पॉइंट वन फाइव ऐसे आया कि ये टोटल नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर एम तक की प्रोबेबिलिटी पॉइंट फाइव यानी कि फिफ्टी ना इस फिफ्टी परसेंट तो 50 में से ये गाला माइनस किया ये माइनस किया ये माइनस किया, किया तो 0.15 बचा Monika, ये टोटल नेगेटिव से लेकर एम तक टोटल था फिफ्टी परसेंट इसमें से ये गाला, ये गाला और ये गाला माइनस किया तो पॉइंट बचा बिल्कुल सही रचित मैं तुम्हारे तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूं तीस से बत्तीस पूछ लिया तो क्या करेंगे बस इसी पे तो क्वेश्चन बनते नहीं नहीं याद रखने की जरूरत नहीं शांत अगर आएगा भी तो तुम एग्जाम में खुद बना सकते हो तुमको याद सिर्फ ये तीन ही रखना है याद सिर्फ ये तीन ही रखना है भाई 68.3, 95.5 और 99.7 हाँ काफी खतरनाक है हटी और दुर्घटना घटी मॉडर्न ऐसे ही होता है हमेशा ऐसी होती है मेरे एक दोस्त की गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर थी वो भी यही कहता था नजर हटी दुर्घटना घटी तो एक्सपेंसिव चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी होती है सी टू ए नहीं आया विंशु जी सी टू ए देखो सी टू बहुत सिंपल है सी टू बहुत सिंपल है T से लेकर म्यू माइनस टू सिग्मा से लेकर म्यू प्लस टू सिग्मा की प्रोबेबिलिटी कितनी 95.5 तो 95.5 को डिवाइड बाय 2 कर दिया तो मुझे C से लेकर M की प्रोबेबिलिटी मिल गई अब C से M की प्रोबेबिलिटी 95.50 डिवाइड बाय 2 है यानी कि 47.75 है तो 47.75 में से अगर मैं 34.15 माइनस कर दूंगा तो c2a आ जाएगा तो c2a आ जाएगा ठीक है ना मैं अरे बता दो दिया एज गेमिंग भाई देखो c से लेकर c से लेकर d तक c से लेकर d तक टोटल 95.5 था तो c से m निकाल लिया कैसे 95.5 को डिवाइड बाय 2 करके तो C से M आ गया 47.75 और 47.75 में से 34.15 माइनस कर दिया तो 13.6 आ गया हम्म अच्छा तुम्हारे यहां हर्ष बोला जाता है कि नजर हटी और जलेबी पूरी बटी क्या बात है सही है सही है। चलो अब मैं चार्ट बंद करूं और आगे बढूं क्या मैं चार्ट बंद करूं और आगे बढ़ू अब फाइनल शो डाउन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल शो चल रहा है डी टू एफ में क्या प्रॉब्लम है डी टू एफ भी तो सेम ही है देखो ये जो E से F है ना E से F था 99.7 E से F था 99.7 तो mu से F निकाल लिया 99.7 डिवाइड बाय 2 करके mu से F निकाल लिया 99.7 डिवाइड बाय 2 करके अब म्यू से एफ निकल गया तो एम बी माइनस कर दो बी डी माइनस कर दो तो डी एफ निकल जाएगा ठीक है ना चलो आगे बढ़ते हैं अब वो बता रहा हूं नमन भाई कि विराट कोहली तीस से बत्तीस बना ऐसा पूछ लिया तो आ जाओ चार्ट मैंने बंद कर दिए अब फाइनल शोडाउन चल रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फाइनल शोडाउन अच्छा अब सुनना ध्यान से मैं गया कालगोस साहब के पास मैंने बोला कालगोस साहब शिकायत है आपसे बोले क्या शिकायत है मैंने मेरा साहब मैं समझ गया कि विराट कोहली 45 बने इस पे प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट 40 से 50 बने इस पे प्रोबेबिलिटी 68.3 35 से 55 बने इस पे प्रोबेबिलिटी 95.5 30 से 60 बने इस पे प्रोबेबिलिटी 99.7 30 से 35 बने इस पे भी प्रोबेबिलिटी निकाल ली 2.10 30 से कम बने इस पे भी प्रोबेबिलिटी 0.51 15 परसेंटेज

पचास से इक्कावन की प्रोबेबिलिटी बताओ तो गौस साहब बोले सुन रहे इतना रॉम मत दिखा। मेरे पास सारा सोल्यूशन है मैंने बोला फिर क्या एक एक पॉइंट यहां बनाते रहूंगा जीवन भर गौस साहब जवाब दो क्या मैं यही करने के लिए सीए फाउंडेशन में आया था क्या मैं एक एक पॉइंट यहां पे बनाते रहूंगा तो गौस साहब ने बोला नहीं 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 ऐसा करने की जरूरत नहीं तो मैंने बोला गौस साहब फिर कुछ बताओ कैसे आंसर निकालू नहीं समझ में आ रहा है मेरे को क्योंकि बीच बीच में बीच बीच में कैसे पॉइंट निकालूंगा ये 35 से अड़तीस दे दिया तो तो गौर साहब ने बोला देखो मैंने ना म्यू को जीरो मान के और सिग्मा को वन मान के एक टेबल बना दी मैंने बोला गौर साहब क्या बोले फिर से बोलो बोले म्यू को जीरो और सिग्मा को वन मान के मैंने एक टेबल बना दी मैंने बोला क्या बात कर रहे हो बोले इस टेबल में जब भी तू देखेगा

पर मेरा म्यू तो अलग होगा और मेरा सिग्मा तो अलग होगा जैसे विराट कोहली ने एवरेज स्कोर किया तो पैतालीस और विराट कोहली का जो जो स्टैंडर्ड है 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 वो तो तो मेरा सिग्मा तो 5 है और मेरा सिग्मा और म्यू 45 है। जबकि तुमने जो टेबल बनाई है गौस साहब वो तो म्यू जीरो और सिग्मा वन रख के बनाई है तो गौस साहब ने बोला टेंशन ना करे रे मैं देखो एक फॉर्मूला देगा बोला वेरी गुड और, और बताओ फॉर्मूला का क्या करूंगा मैं तो बोले मैं देखो ऐसा फॉर्मूला देगा जिससे देखो टेबल वाली वैल्यू मिल जाएगी मैंने बोला गौत साहब थोड़ा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में बोलो ना यार ये टेबल वैल्यू वाली टेबल वाली वैल्यू क्या है तो गौत साहब ये येड ब्लैक अगरबत्ती सुना था जेड वैल्यू पहली बार सुन रहा हूँ तो गौत साहब बोले नालायक जेड वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यू जो की टेबल में दी हुई है जिस पर प्रोबेबिलिटी पता है जिस पर प्रोबेबिलिटी पता है तो मैंने बोला मैं जेड वैल्यू कैसे निकालूंगा क्योंकि मेरा म्यू अगर 45 है और मेरा सिग्मा 5 है क्योंकि विराट कोहली का सिग्मा 5 था और म्यू 45 था तो मैं आपके टेबल में से z वैल्यू कैसे निकालूंगा तो बोले सुन मैंने ना एक फॉर्मूला दे रखा है z वैल्यू का कैलकुलेशन ऑफ z वैल्यू डन 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 और इन्होंने बोला z इज इक्वल टू x माइनस म्यू बाय सिग्मा मैंने बोला साहब एक बार फिर से मेरे को समझ नहीं आया कुछ भी समझ नहीं आया कॉल का साहब क्या कर रहे हो यार ये कुछ समझ नहीं आया बोले सुन देख <coughs> मैंने कर बनाया ठीक है साहब बनाया उसकी प्रोबेबिलिटी वन रखी ठीक साहब सही बोल रहे हो वन रखी बोले उस पर मैंने स्पेसिफिक पॉइंट्स दे दिए कि इसके इसके बीच में होगा तो प्रोबेबिलिटी 68.3 इसके इसके बीच में होगा तो 95.5 और म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा होगा तो 99.7 मैंने 99 बोला ठीक है साहब वो भी अच्छे से आ गया बिल्कुल बोले उन पॉइंट्स के बेसिस पे मैंने देखो और बताया कि तू और छोटे 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 छोटे, छोटे पार्ट भी निकाल सकते हैं मैंने बोला ठीक है साहब वो भी समझ में आ गया फिर बोले मैं तेको ऐसी टेबल बना के दे रहा हूं जिसमें मैंने मीन जीरो और सिग्मा वन अज्यूम किया है और उस टेबल पे मैंने इस ग्राफ के सारे पॉइंट्स लिख दिए सारे पॉइंट्स मतलब ये भी 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 जो जो भी पॉइंट्स है इस ग्राफ पे वो सारे पॉइंट्स लिख दिए और सारे पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटी दे दी मैंने बोला साहब पर ये तो बताओ कि मेरा मीन और सिग्मा तो अलग है मैं आपके टेबल में वैल्यू कैसे देख लूं तो बोले वही तो बोल रहा हूं नालायक तेरे को निकालनी पड़ेगी z वैल्यू एक बार तूने z वैल्यू निकाल ली तो तू मेरे टेबल पर जाके वैल्यू देख सकता है और जो मेरे टेबल पे प्रोबेबिलिटी होगी वही तेरा आंसर हो जाएगा मैंने बोला ठीक है सर z वैल्यू निकाल लेते हैं तो मैं गया z वैल्यू निकालने z वैल्यू होती है x माइनस म्यू बाय सिग्मा तो भाई ये x क्या है ऑलवेज गिवन बाय क्वेश्चन म्यू तो तुमको पता है मीन और सिग्मा तुमको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन तो मैंने बोला साहब अगर विराट कोहली का एवरेज स्कोर 45 फाइव रन है ये एवरेज स्कोर है ना और विराट कोहली का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैंडर्ड डिविएशन पांच का है तो बताओ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विराट कोहली विल स्कोर विल स्कोर मोर देन मोर देन फिफ्टी टू रंस ओ माई गॉड मोर देन फिफ्टी टू रन विराट कोहली गौरव सर आ गए मेरे अंदर सुनो कैसे बनाएगा तो मैंने बोला साहब देखो पचास से पचपन की बताए ये बावन के ऊपर के, के कैसे बताऊ

अरे बोले देखो जिसके ऊपर की प्रोबेबिलिटी निकाल लें नीचे की प्रोबेबिलिटी निकाल लें वो एक्स होता है मैंने बोले एक्स की निकाल लो तो बोले वो तो डिस्क्रीट हो गया ना 52 रन्स पे प्रोबेबिलिटी नहीं निकल सकती 52 से ज्यादा पे प्रोबेबिलिटी निकल सकती है और 52 से कम पे प्रोबेबिलिटी निकल सकती है मतलब ठीक है भाई तो Z कितना हो गया Z हो गया 52 52 माइनस फोर्टी फाइव फिफ्टी टू माइनस फोर्टी फाइव डिवाइड बाय फाइव डाफ्टी टू माइनस फोर्टी फाइव डिवाइड बाय फाइव तो Z आ गया वन पॉइंट फोर हो 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 हो, मतलब अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने ग्राफ बनाया अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो जहां पर मेरा 52 है जहां पे मेरा 52 है वहां पे टेबल में z इक्वल टू 1.4 होगा मैंने बोला समझ गया कालगौर साहब क्या करवा दिया आपने मैं समझ गया आप मेरे को ये कहना चाह रहे हो कि जहां मेरा 52 है वहां आपकी टेबल में 1.4 है समझ गया आपने मेरे 52 को आपकी टेबल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवा दिया और कैसे कन्वर्ट करवाया Z के फॉर्मूला से ओ भाई समझ गया मतलब आपने हर एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी देके रखी हुई है इस कर्व की जीरो और, सिग्मा वन, अगर मेरा अलग है और सिग्मा अलग है तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा जेड वैल्यू और जैसी मेरी Z निकल के आ जाएगी मैं आपके टेबल में सॉल्यूशन देख लूंगा तो अब गॉस का जब मैंने टेबल देखा तो उसमें मुझे दे रखा था प्रोबेबिलिटी द राइटिलिटी टू द राइट इस पॉइंट के राइट हैंड साइड पर और यह प्रोबिलिटी दे रखी थी suppose point two one. Suppose कितनी दे रखी थी पॉइंट टू वन तो भाई मुझे भी तो फिफ्टी टू से ज्यादा रन की प्रोबाबिलिटी निकालनी थी मतलब मुझे भी ये वाला एरिया निकालना था मुझे भी ये वाला एरिया निकालना था तो इसकी प्रोबाबिलिटी कितनी हो गई 0.21 टंटड़ा इसका मतलब है विराट कोहली 52 रन से ज्यादा स्कोर करे इसकी क्या प्रोबेबिलिटी 0.21 कैसे निकाला 52 को कन्वर्ट किया इनटू जेड वैल्यू कैसे 52 माइनस मीन बाय सिग्मा और जैसे ही z वैल्यू आ गई मेरे को 52 से ऊपर की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी यानी कि राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी right चाहिए थी और वही देके रखी हुई है प्रोबेबिलिटी टू द राइट टेल 0.21 टंटड़ा ना ना ना। ये मैंने मन से लिया है ये टेबल तुमको आएगी नहीं एग्जाम में वो वैल्यूज से, से, से मुझे नन्हे पीले काले मुन्ने जल्दी से बताओ तुमको समझ में आया क्या अरे बोलो 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 चार्ट ऑन कर दिया मैंने पॉइंट टू वन हमेशा गिवन होगा ये हमेशा गिवन होगा ये गिवन होगा भाई ये गिवन होगा ये गिवन होगा गिवन होगा गिवन होगा एग्जाम में गिवन देंगे हमेशा टेबल नहीं वो गिवन देंगे वो हमेशा गिवन देंगे अब सुनो जो भी वो गिवन देते हैं ना आ, अरे और और क्वेश्चन कराऊंगा डोंट वरी ईशान तो और क्वेश्चन कराऊंगा सुन मेरी बात ध्यान से सुनना 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 अब वो जो गिवन देते ना वो गिवन में भी लेफ्टन है सुनना वो कई बार ना इसको पाई के नाम से देते पाई जब भी ये आ जाए ना इसका मतलब होता है नेगेटिव इनफिनिटी से लेकर पॉइंट तक कई बार वो ऐसे भी गिवन देते पॉइंट टू वन मैंने मन से लिया ये गिवन होगा क्वेश्चन में ऑलवेज बी गिवन बाय द क्वेश्चन ये क्वेश्चन में गिवन होगा भाई। मैं लिख देता हूं गिवन बाय द क्वेश्चन अरे तुमको क्वेश्चन में चार अलग अलग वैल्यू दे रखी है यश का सवाल बिल्कुल सही है ये मैं समझा रहा हूं पहले अभी पहले मेरे को यश का आंसर कर ले तो फिर इसको वापस समझा रहा हूं फिर इसको वापस समझा रहा हूं जेड आया 1.4 है ना अब तुमको क्वेश्चन में अलग अलग जेड पे वैल्यू दे रखी होगी

Z तुमको निकालना है बस अब सुनो जहां पर भी आ जाए ना आखिरी कुछ पांच सात मिनट चल रहे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के डिफिकल्ट वाले बस आखिरी पांच मिनट खुद को संभाल लो फिर तुम्हारा काम हो गया लास्ट फाइव मिनट मेरे भाई पाए का मतलब होता है नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर पॉइंट तक के एरिया अभी मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा इस पर एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा घबराना नहीं एक दो क्वेश्चन और करूंगा तो पूरा समझ में आएगा मैं बोल रहा हूँ पाई का मतलब होता है नेगेटिव से लेकर पॉइंट तक एरिया कभी कभार वो ऐसे भी देते कभी कभार वो बोलते एरिया टू द राइट अभी ये ये समझा रहा हूं, ये सब समझा रहा हूं सिर्फ लिख रहा हूं सुनना कभी कभार बोलते हैं वो एरिया टू द राइट टेल और कभी कभार वो बोलते एरिया टू द लेफ्ट चलो ये सही है दो तरीके से कभी कभार वो दे देते फाइव और कभी कभार वो दे देते एरिया टू द राइट और कभी कभार वो दे देते एरिया टू द राइट को एरिया टू भी बोल सकते हो इस को तुम टेल भी बोल सकते हो समझाता हूं है ना सुनना बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना मैंने बोला फाइव नेगेटिव वन मतलब नेगेटिव वन एक पॉइंट ये रहा, ग्राफ के अंदर ये नेगेटिव पॉइंट है ग्राफ के अंदर मैंने बोला फाइव नेगेटिव वन का मतलब हुआ नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव वन तक की एरिया बताओ ये नेगेटिव इंफिनिटी नेगेटिव वन तक की एरिया दिस इज वॉट वी कॉल फाइव नेगेटिव वन अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है ना क्वेश्चन में फाइव लिख के इसका मतलब है right मतलब जैसे इस 52 पे वो मेरे को फाइव भी तो दे सकते थे 5, अगर वो मुझे फाइव वन पॉइंट फोर देते तो इसका मतलब ये हुआ कि नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर वन पॉइंट फोर तक की एरिया गिवन है मतलब यहां तक ये गिवन होता फिर और उस केस में मुझे वन में से ये वाला एरिया माइनस करना पड़ता तभी जाकर तो मेरे पास ये वाला एरिया निकल के आता तभी जाकर तो मेरे पास ये वाला एरिया निकल के आता तो फाइव का मतलब हमेशा होता है मेरे भाइयों नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक की एरिया मतलब काल सब जब भी एरिया देंगे वो एरिया दो तरीके से बोल सकते हैं एक एरिया टू तो द राइट और एक पॉइंट, मतलब नेगेटिव से लेकर उस पॉइंट तक की एरिया समझना मेरी बात ध्यान से पे इसने बोला फाइव नेगेटिव निकालो, निकालो, नेगेटिव मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर ए पॉइंट तक की एरिया तो फाइव वन कितना हो जाएगा कैलकुलेट करो फाइव वन कितना हो जाएगा यहां से लेकर नेगेटिव वन तक की एरिया कैलकुलेट करो पॉइंट वन फाइव प्लस टू पॉइंट वन प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स कितना हुआ फिफ्टीन पॉइंट एट फाइव फिफ्टीन पॉइंट एट फाइव हाँ एरिया टू द राइट मतलब उस पॉइंट से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक की एरिया दे दी अब सुना आगे अभी अभी कोई चार्ट नहीं मैं चार्ट दो मिनट के लिए बंद कर रहा हूं है ना अभी पहले मेरे को पूरा पढ़ा लेना अभी और समझो फिर इसने बोला 5 टू तक की एरिया 5 टू का मतलब क्या हुआ नेगेटिव इनफिनिटी से लेकर 2 तक की एरिया मतलब नेगेटिव इनफिनिटी से ने लेकर d तक की एरिया निकालनी नेगेटिव इनफिनिटी ने से लेकर d तक की एरिया पूरी पूरी इसका मतलब हो गया 5 टू तो 5 टू कितना हो जाएगा देखो यहां तक तो हो गया 0.5 ये पूरा एरिया तो हो गया 0.5 मीन तक का तो 0.5 में अगर मैं ये mb बी डी प्लस कर दू तो मुझे डी तक की पूरी एरिया मिल जाएगी तो फाइव टू हो जाएगा plus, या को मैं 50 लिखता हूं क्योंकि हम परसेंटेज में कर रहे हैं ना तो फिफ्टी प्लस फिफ्टी प्लस थर्टी फोर पॉइंट वन फाइव प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स जीरो प्लस थर्टीन पॉइंट सिक्स जीरो तो ये एरिया निकल के आ जाएगी 97.75 पॉइंट सेवन फाइव परसेंटेज फिर इसने 5, दिया 5, 3, 5, 3 मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर थ्री तक की एरिया नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर थ्री तक की एरिया तो मुझे पता है यहां तक तो पॉइंट फाइव है उसमें अगर मैं 34.15 13.60 और 2.1 और ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरी नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर थ्री तक की एरिया मिल जाएगी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वन माइनस पॉइंट वन फाइव यानी ये जो एक्स्ट्रा एरिया है माइनस कर दो ये वाली एरिया माइनस कर दो टोटल वन है अगर वन में से मैंने ये वाली एरिया माइनस कर दी तो मुझे नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर थ्री तक की पूरी एरिया मिल जाएगी ये वाली तो वन माइनस सीधे सीधे आंसर आ गया वन हंड्रेड माइनस पॉइंट वन फाइव परसेंटेज में कर रहे हैं ना हम लोग तो हंड्रेड माइनस पॉइंट वन तो आंसर आया नाइनटी नाइन पॉइंट ठीक है अब सुनना एक ऑब्जेक्टिव आता है अगर सुनो बहुत ध्यान से सुनना बहुत ध्यान से है ना अगर मैं बोलता हूं फाइव नेगेटिव वन तो नहीं अच्छा चलो ऐसे अलग से करके दिखाता हैं सुनो तो लास्ट में एकदम ये मैंने ग्राफ बनाया यहाँ पे सपोज नेगेटिव वन और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी मैंने बोला फाइव नेगेटिव वन तो फाइव नेगेटिव वन कितना हुआ ये वाला पूरा एरिया और मैंने बोला प्लस फाइव वन फाइव वन कितना होगा वन कितना होगा फाइव वन होगा ये वाला पूरा एरिया देखो नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर वन तक तो अगर मैं फाइव नेगेटिव वन और फाइव वन की एरिया का टोटल करूं तो क्या आंसर हंड्रेड परसेंट आ रहा है यानी कि वन आ रहा है क्या चेक करो क्योंकि देखो ये वाला जो येलो वाला हिस्सा है मतलब नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर जो नेगेटिव वन तक की एरिया है वही एरिया वन से लेकर इंफिनिटी की भी होगी मतलब अगर ये वाला हिस्सा येलो है ना ये वाला हिस्सा अगर येल्लो है नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर नेगेटिव वन तक तो उस केस में 1 से लेकर इंफिनिटी तक का हिस्सा भी येलो ही होगा तो अगर मैं नेगेटिव 1 का पाई और 1 का पाई ऐड करता हूं तो टोटल एरिया ही तो आ रही है चेक कर लो क्योंकि जो 51 है उसमें ये पिंक वाला आ गया 51 में पिंक वाला आ गया और 5 नेगेटिव 1 में ये येलो वाला आ गया तो टोटल एरिया तो 1 ही होगी तो भाई इसीलिए याद रखना हमेशा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये कोई भी नंबर हो अगर उसी नंबर का नेगेटिव फाइ है और उसी नंबर का पॉजिटिव फाइ है तो एरिया विल बी टू यानी यानी कि कि ठीक है अब जल्दी से मैं कमेंट सेक्शन ओपन कर रहा हूं देखो बताओ ये समझ में आया क्या फिर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं अब फाइनली हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डर भगा कि नहीं भगा फाइनली क्वेश्चन कर रहे हैं बताओ समझ में आया क्या फाइव का कॉन्सेप्ट बहुत ही बढ़िया जबरदस्त जबर्दस्त, जबरदस्त 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 हाँ फाइव में हमेशा लेफ्ट से देखते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉइंट तक पाई मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉइंट तक कहां पे 99.8? ये मैंने कुछ नहीं किया देखो ये थ्री तक निकालना था तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर थ्री तक तो मैंने बोला थ्री के ऊपर का कितना है थ्री के ऊपर का पॉइंट था तो मैंने वन में से माइनस कर दिया ठीक है ना हाँ वो भी आएगा रजत अभी वो भी आएगा वो भी आएगा वो भी आएगा चलो अब सुनो अब अब मजा आएगा अब फाइनली कॉन्फिडेंस का खेल है अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तुम्हारा देखो कॉन्फिडेंस का गजब होता है मैं चार्ट बंद कर रहा हूं आखिरी पांच मिनट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिफिकल्ट वाले उसके बाद तो सब इजी है ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो ये वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूं हां मुझसे क्या पूछा गया था व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विराट कोहली विल स्कोर मोर देन 52 रंस तो मैं कालगोस साहब के पास गया मैंने बोला कालगोस साहब विराट कोहली 52 रन से ज्यादा स्कोर करे इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो साहब तो कालगोस ने बोला देखो इस 52 को ना पहले z में कन्वर्ट करो क्योंकि मैंने जो टेबल बनाई है वो μ0 और σ1 रख के बनाई है मैंने बोला ठीक है साहब z में कन्वर्ट कर देता हूँ z आया 1.4 अब सुनना मुझे 1.4 से ज्यादा मतलब राइट साइड में एरिया चाहिए प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए कि लेफ्ट में ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो मोर देन 52 रन्स बोला है अगर मोर देन 52 रन्स बोला तो मुझे 1.4 से राइट साइड में एरिया चाहिए अगर 1.4 से राइट साइड में एरिया चाहिए तो क्वेश्चन दो तरीके से एरिया दे सकता है या तो फाइव वन पॉइंट फोर या तो एरिया टू द राइट अगर एरिया टू द राइट दे दिया 2, 1, तो सीधे सीधे मेरा आंसर आ गया लेकिन अगर एरिया टू द राइट फोर दिया तो मैं क्या करूंगा एरिया टू द राइट निकालने के लिए वन में से फाइव वन पॉइंट फोर को माइनस कर दूंगा फाइव वन पॉइंट फोर मतलब क्या होगा नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर

ये रहा क्वेश्चन फोर्टी सेवन देर आर सेवेंटी फाइव स्टूडेंट्स इन अ क्लास एंड देर एवरेज मार्क्स इज फिफ्टी क्लास में कितने बच्चे भाई क्लास में सेवेंटी फाइव स्टूडेंट्स हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया सेवेंटी फाइव बहुत ही बढ़िया एवरेज मार्क्स कितने इनके एवरेज मार्क्स है फिफ्टी स्टैंडर्ड डिविएशन कितने स्टैंडर्ड डिशन है फाइव अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव सिक्योर्ड मोर देन 60 मार्क्स पूछ रहे हो मोर <coughs> देन 60 मार्क्स पूछ रहे चलो तो मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं है ना जवाब देते रहना मेरे को मैं चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूं अब मुझे बताओ मोर देन 60 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे अभी मेरे को आंसर मत करो सुनो जब मैं बोलूंगा तब चार्ट का यूज करना अच्छे से अपन सब समझदार बच्चे तो अपन चार्ट का तभी यूज करेंगे तो मोर देन 60 मार्क्स तो मैं काल को साहब के पास गया मैंने बोला साहब साठ से ऊपर की प्रोबेबिलिटी बताओ ना तो उन्होंने बोला कि सुन साठ से ऊपर की प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता जेड वैल्यू बोल मेरी टेबल म्यू जीरो और सिग्मा वन लेके बनी हुई है जेड वैल्यू बोल मैंने बोला ठीक है साहब जेड वैल्यू निकाल देता हूँ Z वैल्यू X माइनस म्यू बाई सिग्मा तो Z हो गया 60 तो so, Z आया 2 मैंने बोला सब मिल गया मिल गया Z इक्वल्स टू टू की प्रोबेबिलिटी बताओ ना तो so, को साहब ने बोला सुन ऐसे नहीं होता ये देखो पॉइंट मिला Z इक्वल्स टू टू यहां पर यहाँ मतलब मेरे लिए क्या z equals to 2। कौन बोल रहा है कालगौर साहब बोले को सिक्सटी से ऊपर की प्रोबेबिलिटी चाहिए मतलब तू मेरे को ऐसा बोल की z इक्वल्स टू टू से ऊपर की प्रोबेबिलिटी चाहिए क्योंकि मेरे को 60 समझ नहीं आता z समझ में आता है

राइट right की चाहिए ये चाहिए लल्ला ये चाहिए अगर राइट की चाहिए तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है गिवन एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व फॉर z इक्वल्स टू कर मुझे z की एरिया देकर रखी हुई है अब इन्होंने ना फाइव बोला ना एरिया टू द राइट बोला तो क्या करूं ना फाइव बोला ना एरिया टू द राइट बोला तो क्या करूं इसलिए तो सिखाया था याद करो म्यू प्लस माइनस टू से लेकर पॉजिटिव टू तक वैल्यू होती है नाइनटी फाइव पॉइंट फाइव नेगेटिव टू से लेकर पॉजिटिव टू तक की वैल्यू होती है नाइंटी फाइव पॉइंट फाइव ये हमने सीखा है अभी तो भाई अगर ये z इक्वल्स टू टू पॉइंट फोर सेवन सेवन टू दे रहे इसका मतलब है कि जरूर से इसने से लेकर म्यू से लेकर ले जो क्वेश्चन में है वो एरिया बता रहा जरूर से म्यू से लेकर z इक्वल्स टू टू की एरिया दी हुई है और ये कितनी दी हुई है पॉइंट फोर सेवन सेवन टू तो मेरे को समझ में आ गया मैंने बोला साहब आया समझ में अगर ये टोटल एरिया पॉइंट फाइव है ये टोटल एरिया पॉइंट फाइव है और टू तक की एरिया पॉइंट फोर सेवन सेवन टू है तो टू से ऊपर की एरिया हो जाएगी पॉइंट फाइव माइनस पॉइंट फोर सेवन सेवन टू यानी कि पॉइंट जीरो टू एट मैंने बोला पॉइंट जीरो टू एट एट तो मैंने बोला कालगौ साहब समझ गया साहब कोई भी बच्चा साठ से ऊपर करे इसकी प्रोबेबिलिटी जीरो इस अरे देखो Z इक्वल्स टू टू कितना दे रखा है पॉइंट फोर सेवन सेवन टू ये एरिया टू द राइट हो ही नहीं सकती क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ना कि टू के बाद ये देखो याद देखो प्लस टू के बाद एरिया कितनी कम है जो भी एरिया है वो प्लस टू तक ही ज्यादा ज्यादा ये नेगेटिव टू और ये प्लस टू हमको पता है इन दोनों की एरिया मिलाकर नाइन पॉइंट फाइव है तो जीरो से लेकर प्लस टू की एरिया करीबन करीबन फोर्टी सेवन सेवन फाइव के आसपास होगी और वही देके रखी हुई है तो हम गैस कर सकते हैं ना कि ये एरिया जो है वो मीन से देकर रखी हुई है इक्वल टू तक ये एरिया किससे दे रखी है मीन से दे रखी रखिएवल टू टू तक फाइव नहीं बोला फाइव नहीं बोला अगर फाइव बोलते हैं हिमांशु तो करते हैं हम वन माइनस पॉइंट फोर सेवन सेवन टू अगर फाइव बोलते थे तो अगर फाइव बोलते तो ये वाली एरिया भी गिवन होती यहाँ पे अगर फाइव लिखते ना फाइव फाइव टू तो फाइव टू होता पॉइंट नाइन सेवन सेवन टू होता तो फिर हम वन में से माइनस कर देते हैं मंशु ठीक है चलो एक और क्वेश्चन करें अच्छा ये प्रोबेबिलिटी आ गई 0.228 इन्होंने क्या पूछा है इन्होंने प्रोबेबिलिटी पूछी क्या के नंबर पूछा है स्कैनर से स्कैनर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने है मैं कुछ क्वेश्चन सलवा दूंगा एक बार 0.5 वापस से देखो हमको पता है नेगेटिव 2 से लेकर पॉजिटिव 2 तक की टोटल एरिया 95.50 थी तो अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा कि म्यू से लेकर टू तक की एरिया इज फोर्टी सेवन पॉइंट सेवन फाइव और क्वेश्चन में भी वही वैल्यू दे रखी है लगभग आई कैन सिंपली जज फ्रॉम द क्वेश्चन कि मीन से लेकर टू तक की एरिया ठीक है ना अब सुनो ध्यान से इंपॉर्टेंट बात महत्वपूर्ण बात मुझसे क्या पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है जल्दी से बताओ मुझसे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी पूछा हुआ है अरे बोलो रे नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है और अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछा है तो मैं काम करता हूं फॉर्मूला लगा देता हूं क्या फॉर्मूला क्या फॉर्मूला फॉर्मूला देखना बहुत जबरदस्त है ई ऑफ एक्स िटी so कितनी आई पॉइंट मल्टीप्लाई बाय सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव मल्टीप्लाई बायो टू टू एट आंसर आएगा वन पॉइंट सेवन वन टूटना क्या बात है जबरदस्त जबरदस्त जबजस, जबरदस्त आओ ये रहा एक और क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाओ सब लोग आओ जल्दी से दस सेकेंड तुम्हें दिए क्वेश्चन घूरने के लिए उम्मीद अब कॉन्फिडेंस आ रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मैं पोल करवा रहा हूं एक तब तक तुम लोग क्वेश्चन देखो जल्दी से जल्दी से मुझे बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर, सॉरी, वोट करके बताओ जो अठारह साल से नीचे के वो, वो वोट ना करें। जो बच्चे 18 के नीचे के वो वोट ना करे जो बच्चे अट्ठारह के नीचे के वो कृपया करके वो वोट ना करें। यार अगर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर वाकई में तुमको मजा आया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ के और तुमको सब समझ में आ गया तो प्लीज कमेंट जरूर करना तो कि इट वेरी और नहीं भी आया हो तो भी कॉमेंट करना तो मैं एटलीस्ट तुम्हारे डाउट सॉल्व करूंगा जैसे नाइनटी प्लस बच्चों को गए समझ में कुछ आठ नौ बच्चों को नहीं आए कुछ से गलती से भी क्लिक हो गया होगा डोंट वरी इनको नहीं समझ में आया है। मैं अपना फोन नंबर या मैं ऐसा सेशन प्लान करता हूं इसमें मैं फिर तुम्हें और थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देकर समझाऊंगा पर मेरे लिए हर एक बच्चा इम्पोर्टेंट तो अगर तुमको समझ में आया हो तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना ताकि एटलीस्ट आई गेट टू नो कि मेरी एफर्ट्स काम आई या नहीं और नहीं हो तो भी करना चल चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं 5000 स्टूडेंट्स वर अपेर्ड इन एन एग्जामिनेशन द मीन ऑफ मार्क्स वाज 39.5 मैंने बोला मीन दे रखा है भाई म्यू दे रखा है म्यू कितना दे रखा है 39.5 स्टैंडर्ड डिवीएशन दे रखा है यानी कि सिग्मा दे रखा है कितना 12.50 बहुत ही बढ़िया फिर बोले अज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्डेड मोर देन 60 मार्क्स मतलब ओ हो 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 मतलब एक्स दे रखा है इसने सिक्सटी मैंने साहब से बोला मैंने बोला साहब बताओ ना यार कालगा से ऊपर वाले बच्चों की प्रोबेबिलिटी क्या होगी तो साहब ने बोला फिर वही बात तो कालगा 60, 60 कर रही है मैं Z वैल्यू समझता हूं मतलब ठीक है साहब Z वैल्यू निकाल के दे देता हूं Z वैल्यू निकालो तो Z वैल्यू हो जाएगा x माइनस म्यू बाई सिग्मा एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा तो Z हो जाएगा सिक्सटी थर्टी नाइन पॉइंट फाइव डिवाइड बाई टाइव थर्टी पॉइंट फाइव डिवाइड सब जेड जेड वैल्यू आ गई सिक्स फोर तो अगर ये ग्राफ है और इस ग्राफ में यहां पर सिक्सटी या फिर वन पॉइंट सिक्स फोर है तो मुझे बताओ एरिया टू द राइट चाहिए कि एरिया टू द लेफ्ट जल्दी बोलो 1.64 पे एरिया टू द राइट चाहिए कि एरिया टू द लेफ्ट जल्दी बताओ एरिया टू द राइट या फिर एरिया टू द लेफ्ट एरिया टू द राइट बिल्कुल सही 60 से ऊपर बोला है भाई 60 से नीचे बोलते तो बात अलग थी 60 से ऊपर बोला है 60 से ऊपर बोला है तो भाई अगर मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है π 1.64 मन से दे रहा हूं हां π 1.64 मैंने तुम्हें दे रखा है मन मन से मन से टेबल से नहीं दिया मन से दिया एग्जाम में तुम्हें मिलेगा एग्जाम में तुम्हें हंड्रेड परसेंट गिवन होगा बताओ फाइव फोर दिया है मन से तो बताओ कितना होगा प्रोबेबिलिटी कितना होगा प्रोबेबिलिटी बताओ प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पॉइंट वन वन माइनस पॉइंट नाइन जीरो क्योंकि जैसे ही मैंने बोला फाइव वन पॉइंट सिक्स फोर दिया है इसका मतलब है नेगेटिव इंफिनिटी से लेकर जीरो तक की वैल्यू दे रखी नाइन्टी परसेंट तो भाई इस 1.64 के राइट हैंड साइड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी टेन परसेंट तो अगर प्रोबेबिलिटी टेन परसेंट हुई तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएंगे पांच हजार इन टू पॉइंट वन जीरो यानी कि सॉरी पांच सौ बच्चे टंटना टननन टननानाना फाइनली तो अब हम लोग डिफिकल्ट पार्ट से आगे बढ़ गए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक बार कमेंट सेक्शन में जोरदार तालियां बजा दो मैं भी यहां तालियां बजा देता हूँ डिफिकल्ट पार्ट हमारा फाइनली खत्म हो जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अरे सुधीर तुमको जाना है तुम जाओ यार तुमको का रोक रखा है पर ऐसा मत कहो अब बस करो जल्दी से लोग तालियां बजा दो कमेंट सेक्शन में difficult पार्ट करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अब थोड़ा टाइम पास पार्ट बचा हुआ है फटाफट -पट करके फिर आज की कहानी को खत्म करूँ है ना है शबाश सबने तानिया बजा दी बहुत बढ़िया अरे पॉइंट वन समझ में आया तुषार भाई ये अगर फाइव वन पॉइंट सिक्स फोर देते फाइव वन पॉइंट सिक्स फोर का मतलब क्या होता नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक की एरिया अगर नेगेटिव इनफिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक की एरिया गिवन है और पूरे ग्राफ की एरिया वन है और मुझे येलो 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 डेटी वल्लो चाहिए तो वन में से मैं फाइव माइनस कर दूंगा तो वन में से पॉइंट नाइन माइनस किया तो आंसर आया पॉइंट वन क्या बात है क्या बात है मेरे देश के वीरों बहुत ही बढ़िया जबरदस्त जबरदस्त चलो आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आ जाओ आ जाओ आ जाओ यहां तक हो गया अब देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चार्ट ऑफ कर रहा हूं जल्दी से छोटा छोटा पार्ट कंप्लीट करते कर लू ना थोड़ा सा आधे घंटे अगर ये सेशन बढ़ेगा मतलब 20-25 मिनट ही और लगेंगे मेरे को 20 मिनट मैक्सिमम और लगेंगे तो चलेगा ना भाई जल्दी से बता दो 20 मिनट और ले सकता हूं ना ईमानदारी के साथ जल्दी से बता दो चलो तो मैं कमेंट सेक्शन बंद कर रहा हूँ आखिरी बीस मिनट पढ़ रहे हैं बस उसमें हम लोग खत्म कर देंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंग्लिश कितनी बजे से इंग्लिश तो है अभी तो कोई तुम्हारा सेशन है नहीं प्लस का आ, बस बस मिनट अरे कौन है भाई ये कौन है टेंडर से आ रहा है बार बार यह सब सीए वाले भूल जाते हैं लाइक तुम लोग याद रखना वो बुलाती है मगर जाने का नहीं आरोप जल्दी से अरे यहां बस खत्म ही करें बीस मिनट डॉट जल्दी से मुझे बीस मिनट और दे दो तो, फिर खत्म ही करें ना यार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा आज तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना दो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि इन पॉइंट्स पर ग्राफ जो है वो चेंज हो जाते हैं देखो यहां तक ठीक था ग्राफ यहां से एकदम से एक होता है म्यू प्लस जो बड़ा होगा हमेशा और एक होगा म्यू माइनस सिग्मा मतलब म्यू प्लस सिग्मा और म्यू माइनस सिग्मा के बाद ग्राफ बहुत शार्प फॉल करता है तो इनको हम लोग प्यार से बोल देते हैं

Is to 20, so mu to 10, और तो म्यू तो माइनस अब वो तुमको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दे देंगे और तुमसे म्यू और सिकमा पूछेंगे तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर तुम्हें मिल गए तो उसको इक्वेशन में रखना एलिमिनेशन से सोल्व करना वैल्यू पुट करना आगे बढ़ना जय राम जी की खत्म चल अच्छा सबसे महत्वपूर्ण तो बात नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर म्यू यानी कि मीन मोड और मीडियन ये सब बराबर होते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मोड और मीडियन सब बराबर

पर हम लोगों ने सीखा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मीन मोड और मीडियम तीनों के तीनों बराबर होते हैं फिर स्पेशल फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वार्टाइल का क्वार्टाइल निकालने का स्पेशल फॉर्मूला है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला है ध्यान से देखना फॉर्मूला है Q1 इज इक्वल टू म्यू माइनस पॉइंट सिक्स याद रखना सिक्स फाइव तो so, मैं ऐसा याद करवा दू तो मीडियन के बराबर होता है और मीडियन किसके बराबर है मीन के बराबर तो क्यू टू इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू मीडियन सिंपल और क्यू थ्री होता है तो क्वार्टाइल्स के नॉर्मल में हैं. क्या क्या फॉर्मूले एक है एक है और एक है और क्वार्टाइल डिवीजन का फॉर्मूला हो गया होगा क्यू थ्री माइनस क्यून डिवाइड क्यू वन डिवाइडन अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ना आखिरी बार चल रहा है बिल्कुल आखिरी बार चल रहा है लास्ट दस मिनट और बस तो देखो समझ क्या म्यू तो के बराबर ही यानी कि के बराबर और क्यू थ्री म्यू प्लस पॉइंट सेवन फाइव अब फाइनली एक और प्रॉपर्टी आती है और वो प्रॉपर्टी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की चुराई हुई प्रॉपर्टी है और यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठेगी चार पांच छे करके समुंदर में कूदो यानी कि फोर एस डीवल टू फाइव एम डी इज इक्वल टू सिक्स क्यू डी चार पांच छ करके समुंदर में कूदो कूद जाओ जिसको ये नहीं समझ में आता वो कूदेगा ना एक बार बाल्टी में और फिर इसको पढ़ने बैठेगा तो जरूर समझ में आएगा चार पांच छे करके समुन्द्र में कूदो इसमें क्या होता है यूजुअली क्वेश्चन कैसे दिए जाते हैं वो बोलते हैं एस डी इज इक्वल टू टेन कैलकुलेट एम ठीक है ना अब एच डी टेन दे दी और एम पूछा तो सिर्फ इन दोनों को लेंगे तो हमको पता है फोर एच डी इज इक्वल फाइव एम देखो ना एच मतलब समुंदर एम मतलब में और क्यू मतलब कूदो तो समुंदर में कूदो और कैसे कूदो चार पांच छह बोल छह बोल के कूद जाओ तो समुंदर में कूदो तो फोर एच डी इज एस डी टेन दे रखा है और मुझसे बोले कैलकुलेट एम डी तो कैसे निकालूंगा डी तो एम डी हो गया कि तान तान ऐसी अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि तुमको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दे सुनना बहुत ध्यान से है ना तुमको पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दे दे और तुमसे कहे कि क्वार्टाइल डिविशन निकाल के दिखाओ या Q1 निकाल के दिखाओ तो अगर पॉइंट्स ऑफ रिफ्लेक्शन दे दिया तो पहले एच निकालना और एच से फिर Q1 निकाल लेना सिंपल है या फिर अगर उन्होंने पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन दे दिए और क्वार्टाइल डिविशन पूछा तो पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन से एच निकाल लोगे जैसे निकाले और फिर फॉर्मूला चार पांच छह करके समुद्र में कूदो तो क्यू निकाल लेना ठीक है तो फाइनली तुम्हारे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सारे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं खत्म आओ एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अच्छा एक एक पॉइंट रह गया बस एक पॉइंट रह गया एक ना कंबाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यहां लिखा हुआ नहीं है मैं अलग से लिख देता हूं उसको वो पॉइंट छूट गया है उसको अलग से लिख देता हूं एक होता है कंबाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और कंबाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो वेरिएबल्स होते हैं वो होते हैं म्यू वन प्लस म्यू टू सेगमा वन का स्क्वायर प्लस सेगमा जैसे हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालते थे ना एक ग्रुप और दो ग्रुप दोनों ग्रुप का हमको अलग अलग मीन दे रखा है हम लोग फिर फॉर्मूला लगा के कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालते थे वैसे ही अगर दो तो अलग अलग वेरिएबल्स है और दो अलग अलग वेरिएबल्स का साथ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है तो पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे पैरामीटर्स क्या थे म्यू और सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे पैरामीटर्स हो जाएंगे म्यू वन प्लस म्यू टू और सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर आओ एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं ये रहा क्वेश्चन एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट नॉर्मल वेरिएबल्स विथ मीन हंड्रेड एंड एटी रिस्पेक्टिवली एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज फोर एंड थ्री वॉट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स प्लस अब x और y को ऐड कर दिया यानी कि कंबाइंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहे हैं तो भैया मीन जो होगा ना म्यू वो होगा म्यू वन प्लस म्यू टू यानी कि ये म्यू वन टू दोनों का कंबाइंड जो मीन निकलेगा वो निकलेगा हंड्रेड प्लस एटी यानी कि वन एटी और अगर मुझे कंबाइंड वेरिएंस निकालना है इनका कंबाइंड वेरिएंस निकालना है तो दैट विल बी सिग्मा वन का स्क्वायर प्लस सिग्मा टू का स्क्वायर यानी कि फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर यानी कि हो हो जाएगा डन. इतना सिंपल क्वेश्चन आएगा. तो याद रखना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जाता है रहे भाइयों अंतिम सवाल कर रहे हैं है आज का देखो इन्होंने बोला इफ द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ अमल डिस्ट्रीब्यूशन आर थर्टीन पॉइंट टू फाइव एंड एट रेस्पेक्टिवलीफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज ओ माई कॉट जबरदस्त क्वेश्चन सुनना मुझे पता है मोड इज इक्वल्स टू मीन होते हैं मुझे पता है मोड इज इक्वल टू मीन होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर

मतलब काश मुझे सिग्मा मिल जाए हे भगवान सिग्मा दे दो अगर दे दिया, तो म्यू निकल जाएगा। मुझे सिगमा दे, दे, दे दो बस सिग्मा अगर दे दिया तो मैं मीन निकाल लूंगा मीन से मेरा मोड़ निकल जाएगा क्योंकि मीन इक्वल्स टू मोड़ होता है इन्होंने बोला मोड़ निकालना मोड़ निकालना मतलब मीन निकालना हे भगवान सिग्मा दे दो तो मैं सिग्मा मांगने गया तो इन्होंने सिग्मा नहीं दिया इन्होंने मेरे मजे लेने के लिए एमडी दे दिया और बोला एमडी डी इज एट देखो मीन डिविशन दे रखा है एट तो मतलब कोई बात नहीं मीन डिविशन दे रखा है और सिग्मा निकाल ले ना तो चार पांच छ करके समुंदर में कूदो चार पांच छ करके समुंदर में कूदो तो मैंने बोला देखो फोर एस इज इक्वल्स टू फाइव एम तो क्ल टू फाइव इंटू एट तो एच डी हो जाएगा मेरे भाईयों टेन के बराबर और एस डी जैसे ही आया तो so मेरे को समझ में आ गया म्यू माइनस पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू टेन इज इक्वल टू थर्टीन पॉइंट टू फाइव तो म्यू हो जाएगा थर्टीन पॉइंट टू फाइव माइनस 6.75 तो फाइनली म्यू आ जाएगा 6.5 के और ये म्यू ही मोड के बराबर है ता ना। ता ना ना ना। तो यार फाइनली 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 पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हो जाता है अब तुम चार्ट कर सकते हो यू कैन चैट देखो चार्ट ऑप्शन आए क्या आगे आगे हाँ आगे। सॉरी 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 लास्ट में प्लस होगा ओ मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती हो गई ओ हो हो, हो, हो। मुझसे गलती हो गई ये नेगेटिव था तो लास्ट में जाके प्लस हो जाएगा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी 13.25 6.75 13.25 6.75 तो आंसर आएगा 20 20 20 20 सॉरी 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 माफी 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 चल तो so फाइनली इसी के साथ यार देखो पूरा का पूरा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने निपटा दिया कवर खुद दी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कवर खुद दी हाँ बस अब हो गया हो गया हो गया हो गया ये नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रहा हूँ या टेलीग्राम का चैनल बना के दे दूंगा जैसा भी होगा वो ओपन कर लेंगे मानेज नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे आज तुम उसकी चिंता हो ठीक है तो फाइनली मज़ा आया आज पढ़ के बच्चे मेरी एज पूछ रहे हैं बस अभी सोलह साल का हूँ मैं सत्रह कंप्लीट करूंगा और अरे भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई आज का सरप्राइज आज का सरप्राइज रुको आज का सरप्राइज आज का सरप्राइज देना है तुम्हें आज का सरप्राइज मैं भूल गया आज का सरप्राइज आज का सरप्राइज मजा आ जाएगा तुम्हें मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा आज का सरप्राइज ना ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा फाइनलीमांड थी इस चैंपियस चार्ट की एंड फाइनली इट इज ठीक है तो ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक के साथ डाल दूंगा नोट्स के अंदर तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत शुक्रिया बहुत मजा आया यार पहले दिन तुम्हें पढ़ा के और ये प्लेच का हाईएस्ट लेवल था सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है आज कर दिया अब इसके बाद के टॉपिक्स इसके अंदर ही आएंगे मतलब इससे डिफिकल्ट कुछ नहीं चलो तो बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद अगर सही में समझ में आया तो प्लीज कॉमेंट जरूर करना ताकि मुझे समझ में आए कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आए तो वो भी कॉमेंट करना जहां पर प्रॉब्लम हो वो भी कॉमेंट करना एटलीस्ट आई शुड गेट टू नो ठीक है चलो बाय बाय बाँग टेक केयर